जिंदगी को फुल स्टॉप बोलकर अंदर एक मुर्दा शान से लेटा है जो अपने अंतिम सफर पर निकला है। गाड़ी है लाश की पर उसमें से निकला ये जिंदा लड़का। ये शहर में अभी अभी आया है। शहर है चेन्नई, एक ऐसा शहर जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। तो सलाम बॉम्बे की तरह सलाम चेन्नई। यहाँ की जिंदगी किसी ओलंपिक रेस से कम नहीं है। हर कोई दौड़ा भागा फिर रहा है लेकिन मैं नहीं भागूंगा। मैं हमेशा इस बच्चे के साथ रहूंगा, इसका साया बनकर। ये मरीना बीच है जहां समंदर का गंदा पानी और सड़ी मछली की बदबू आपको जरा भी परेशान नहीं करती। यहाँ लोग अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि आसपास क्या चल रहा है, कौन रहता है, बस अपने में ही मसरूफ है। यहाँ पे नए हो? हाँ दादा। यहाँ के घर माचिस के डिब्बों की तरह है और हर तरफ कंक्रीट का जंगल खड़ा है और सड़क ऐसी जिस पर चलने की जगह भी नहीं है। यहाँ फूल बागों में नहीं ठेलों पर उगते हैं। यहाँ खुद का पेट भरने के लिए लोगों के पास खाना नहीं, हाँ लेकिन दूसरों को खाना जरूर खिलाते हैं। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए किसी मैदान या क्लब हाउस की जरूरत नहीं पड़ती, वो गली नुक्कड़ को ही अपना प्लेग्राउंड बना लेते हैं। अगर आपको दुनिया भर के झंडे देखने हैं तो चेन्नई आ जाइए। यहाँ सिग्नल की लाल लाइट इसलिए होती है ताकि भिखारी अपना धंधा कर सके। ये शहर सबको डराता है लेकिन मैं यहाँ से डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ मूर्तियां बनाने के लिए कोई स्पेशल कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। और यहाँ दीवारें बनी ही हैं पोस्टर्स चिपकाने के लिए। यहाँ नलों में पानी कम और नालों में ज्यादा है लेकिन इस शहर में जो भी आता है ये शहर उसे अपना बना ही लेता है। कुछ काम है क्या मेरे लायक? हमारे पास तो नहीं है। काम है क्या मेरे लायक? नहीं, कोई काम नहीं है। यहाँ अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो यहाँ मैकेनिक की जरूरत नहीं, बहुत से बाहुबली आपको मिल जाएंगे। चाहे दिवाली, ईद या मुहर्रम हो, यहाँ कोई भी एक दूसरे की खुशी में शरीक होने का मौका छोड़ते नहीं। फ्री टाइम में यहाँ कोई करोड़पति बनने के सपने देखता है तो महिला मंडल अपने पति का पॉकेट खाली करने का। यहाँ मॉल के सामान से ज्यादा तो पार्किंग चार्जेस है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर कभी भी भूकंप आने का डर रहता है। पेट्रोल भरने के लिए आपको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं और एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं। घूम फेर कर हम फिर चलते हैं मरीना बीच। यहाँ पे कोई भी रोहित शेट्टी को आगे चलकर कंपटीशन दे सकता है। बच्चों का खेल देखने से ज्यादा लोग यहाँ एक दूसरे के जज्बातों से खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। होनहार भारत की आने वाली फसल यहीं से उगती है। यहाँ पर बच्चे भी जानते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं लेकिन अफसोस कि अपनी मर्जी से नहीं, हालात के हाथों मजबूर है। यहाँ कोई बच्चों के साथ है तो कोई अनाथ है। स्वच्छता अभियान पढ़े लिखों को समझ में नहीं आती और अनपढ़ को समझानी नहीं पड़ती। यहाँ भीड़ बहुत है, चलने की जगह नहीं है और इस भीड़ में भी अपना कोई नहीं है। यहाँ सूरज जरूर हर शाम को ढलता है लेकिन लोगों की उम्मीदें नहीं। इनके हौसलों की वजह से ही ये शहर अपने आप में एक मिसाल है। दादा, खाना खाया? नहीं दादा। चेन्नई देखा? देखा। क्या कहा चेन्नई ने तुझसे? नहीं कि मैं यहाँ कोई भी काम करके गुजारा कर सकता हूँ। बस भीख मत मांगना। कुछ भी करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा दादा। चेन्नई सबको अपनाता है, तुझे भी अपना लेगा। मुझे मना कर रहे हो तो खुद क्यों भीख मांग रहे हो दादा? पेट की खातिर बेटा। तुम्हारा बाप तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हारे बाप को तुम्हारे कान भरने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। तुम ज्यादा चिल्लाओ मत, वो जैसे भी है मेरे पिता है।
मैं अब उनके लिए खाना वाना कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। कुछ काम धाम तो करते नहीं है, सिर्फ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। तुम अपने बाप को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते? बैठे बैठे मेरी छाती में मूंग तल रहा है। तुम एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, और वो है कि मरने का नाम नहीं ले रहे। तुम दोनों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तुम्हें तो हर बात में बस मेरी ही गलती दिखती है। अगर इसके बाद एक भी शब्द और बोला ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, कह रहा हूँ। मेरे बेटे ने तो घर नहीं छोड़ा, पर मैंने ही घर छोड़ दिया, और अपने अच्छे भले बड़े घर को छोड़कर यहाँ आ गया, इन सड़कों पर, जहाँ ना अपनी छत थी ना ही जमीन, भीख मांग कर गुजारा चलने लगा, क्योंकि उम्र की वजह से कोई काम नहीं देता था। ये शहर मरने तो नहीं देता, लेकिन मर मर कर जीना पड़ता है यहाँ। कुछ खाने को दे दो बेटा। खाना खा और जा यहाँ से, यहाँ सोएगा तो पुलिस पकड़ेगी। जा गई और जाकर सो जा। बुरा लगा तो माफ करना। मोबाइल की दुनिया है सबसे अच्छी, उसके आने से सब लोग हो गए बिजी। काश हमारे पास होने। तू यहाँ नया है क्या? हाँ। इधर नहीं बैठने का, यह हमारा इलाका है, चल निकल। मोबाइल की दुनिया है सबसे अच्छी। ओए लड़के क्या कर रहे हो यार? घर जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, इधर रहना मना है। व्हाट से? ए? हाँ? कौन है रे तू? नया है क्या यहाँ पे? और इधर क्यों सोया है? कुछ बोलना। फुटपाथ पर सोता तो पुलिस पकड़ती, कोई बोला दिन में 12 बजे यहाँ पे आके सोएगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। दो दिन से सोया नहीं हूँ मैं, इतना थक गया हूँ कि पूछ मत, इसलिए यहाँ आकर सोया। इधर सोना है ना तो 150 रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, चलेगा? झूला भी बना दूंगा लेकिन 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, चाहिए क्या? नहीं चाहिए मुझे कुछ। हेलो, नाथन बात कर रहा है क्या? अरे मैं तो बचपन से बात कर रहा हूँ पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा कितनी भेजवाऊं? 100। 100 वक्त पे मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, सब कुछ रेडी। अच्छा 250 चिकन और 100 चपाती ना? ओके सर, शाम तक भेज देता हूँ। अरे पहले इससे तो पूछ ले। क्या रे बना लेगा ना? हाँ बन जाएगा। हाँ ठीक है सर, आपका ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा और आपका बिल होगा 7300। ए बहुत दिन से बीच पे नहीं गए, चलें क्या? हाँ चल। मैं आई कम इन? गुड मॉर्निंग। इंग्लिश नहीं आता दादा को। शुभ प्रभात। दादा मेरे यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो। मस्का क्यों लगा रहे हो? 50 रुपए दो ना, बाद में देता हूँ। तू पहला आदमी है जो भिखारी से भीख मांग रहा है। दादा भीख नहीं मांग रहा हूँ, ब्याज के साथ दूंगा, 50 का 60 दूंगा। मैं भिखारी हूँ, साहूकार नहीं। मैं आपको भिखारी समझ कर नहीं, अपना दादा समझ कर मांग रहा हूँ, अब भी नहीं दोगे? ज्यादा मस्का मत मार, मैं तुझे पैसे देता हूँ। ये बीच है, बीच है। आसपास देखते नहीं है, बस आशिकी करना शुरू हो जाते हैं। हट निकलो। यार ऐसे लड़कों को भी लड़कियां मिल जाती हैं, फिर मुझे क्यों नहीं मिलती है? एक बात बोलूं? हाँ। प्यार करना बेवकूफों की निशानी होती है, जो इसमें पड़ा ना समझ लो उसकी नैया तो डूबी गई, बाकी तो समझदार है। बीच के बीच में चल रहे हो? ये बाल की दुकान कौन है? ओनर है बीच का। ये बीच पे अगर कमरे बना देना तो रातों रात करोड़पति हो जाएगा, और एक दिन मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मरीना बीच आऊंगा, तब आसमान गुलाबी होगा और समंदर मीठा। सुन बेटा, लड़की घुमाने के लिए ना जेब में माल होना चाहिए, और तेरी शक्ल तो ऐसे की लड़की घास भी नहीं डालेगी। कैसा दिया रे? 10 रुपया प्लेट। पानी पानी, ठंडा पानी ठंडा।
10 का 2 पाउच। अरे ये ऐसे क्यों पानी पी रहा है? ये क्या कर रहा है? कुछ मस्ती कर रहा है। ये पानी पियोगे तो मेरी तरह चहक जाओगे। गर्मी में मस्त राहत मिलेगी। कितना हुआ बेटा? सिर्फ 30 रुपया। 30 रुपए? ये लो पाउच पानी। पाउच पानी, पानी का पाउच चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पतंग ले लो, पतंग, पतंग। किसी को पतंग चाहिए? पतंग। पानी, पानी, ठंडा पानी, पानी पाउच। किसी का चेन गिर गया क्या? पानी पाउच। किसी का चेन गिरा है? क्या हो गया? तुझे अभी कोई चेन मिली है ना? वो मेरी चेन है। कैसे मानू तुम्हारी है? अरे बोला ना मेरी है। पहचान दो। सोने की चेन है, यही पहचान नहीं, है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना दूंगा। अरे कहाँ जा रहा है तू? यहीं पे तो थी, आसपास होगी कहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ यहीं पे तो गिरी, ऐसा लगा। साहब आप कुछ ढूंढ रहे हैं? अरे एक चेन गिर गई गले से, तुमने देखा कहीं? दिखने में कैसा था, कुछ बताओगे? गणेश का डिजाइन बना था और 4 हीरे जड़े थे उसमें। ये है क्या? अरे हाँ यही तो है, कब से ढूंढ रहे थे। कहाँ मिली तुम्हें? इसका तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब। ये लो बेटा। नहीं नहीं, पानी खरीद लो। अरे ले लो ना साहब, मुझे नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, रख लो। ठीक है चलो दे दो। ये लो पकड़ो, ये तुम पकड़ो बस। ठंडा पानी आपको मस्त राहत देगा। तुमने चेन लौटा कर पहले ही हमारा दिल जीत लिया बेटा। जीते रहो बेटा। कौन ये लड़का, कहाँ से है और ये यहाँ आके अपने इलाके में पानी क्यों बेच रहा है? चलो उससे बात कर देखते हैं। बुलाओ उसे। यहाँ पे नए हो क्या? हाँ क्यों? ए तू यहाँ पे पानी नहीं बेच सकता। नाम लिखा है क्या? मैं नहीं जाऊँगा। हम भी देखते हैं तू कैसे नहीं जाता। मुझे ए, सब लफड़े में नहीं पड़ना, चल रहा बेटा। अरे बोला ना हाथ, समझ भी नहीं आता पानी बेचेगा क्या? अब मैं आपको समझते क्या हो? उस दिन मुझे मारा था, जिससे मार रहे हो। जो नया आएगा उसको मारोगे क्या? हमारे इलाके में और कोई पानी नहीं बेच सकता, समझे क्या? अगर तुम लोग यहाँ बीच में पानी बेच सकते हो तो हम लोग भी बेच सकते हैं। ए तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ए तू बीच में मत पड़ा। ए तू जाए यहाँ से, दूसरी बार दिखा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे तेरा नाम क्या है? मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे बीच पर जिसका नाम है मरीना। ये इंडिया का सबसे लंबा बीच है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच। माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टोन ने ईयर 1885 में इसे नाम दिया मरीना। बीच की लंबाई है 14 किलोमीटर और चौड़ाई है 437 मीटर। हर रोज तकरीबन 15,000 लोग यहाँ घूमने आते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ उन बच्चों से जो यहाँ काम करते हैं। May I come in? Hello, hello. मैं कुछ बोलूं? कौन से चैनल में देखेंगे? कब आएगा? पहले पिपुड़ी खरीदो। कैसी लगी तुमको? तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे साथ घूमने चलोगी क्या? Oh God, cut, cut, cut. Cut, cut, cut. तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा। हम सब कौन से चैनल में देखेंगे? तुमसे बात की तो हमें कोई डांटेगा नहीं ना? हमें मेकअप भी लगाना है क्या? हमें एक्टिंग भी करनी होगी। एक्टिंग के पैसे मिलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या करते हो? मेरा नाम सतीश है। मक्कोली। राजेश। संकल्प। गुरिंदर। मैं हूँ आकाश। कल्पेश। अंजलि। अंबिका राज। कैलाश। मेरा नाम मनोज है, प्यार से लोग मुझे मनिया बुलाते। विजय चौहान। दीनानाथ। सुंदर माटीना। तुम
कहाँ के रहने वाले हो? पट्टुकोटा, रामनाथमपुरम। सुबह मैं स्कूल जाता हूँ और शाम को पानी बेचता हूँ। पानी बेचता हूँ मैं, पतंग बेचता हूँ, चने बेचता हूँ, वाटर पैकेट बेचता हूँ, पानी बेचता हूँ, शाम को माँ की मदद करता हूँ। मैं इस बीच का मालिक हूँ। अपन का पेट्रोल का बिजनेस है। ये कैसा बिजनेस है? बोले तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब पेट्रोल इम्पोर्ट करते हो? हर चीज इम्पोर्ट हो सकता तो पेट्रोल नहीं हो सकता। तुम दिन का कितना कमाते हो? दीदी आपको कितना मिलता है? 200 रुपया, 150 रुपया। बारिश होती है तो कुछ भी धंधा नहीं होता। और पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं तो 5वीं तक पढ़ा हूँ। 7वीं तक? 8वीं तक। मैं रमेश जितना पढ़ा हूँ, मतलब 3री तक। यू कम आई कम सब कम। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और 9th में अच्छे मार्क्स भी मिले थे। और तुम सब सोते कहाँ पर हो? बीच पे ही सो जाते हैं। अगर हम बीच पे सोते तो पुलिस हमें पकड़ कर लेके जाती है। हम लोग बोट में रहते हैं। यहाँ काम के वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे ही पुलिस आती है हम सब भाग के छुप जाते हैं ताकि उनके हाथ ना लगे। वो हमसे नाम पूछते हैं, उम्र पूछते हैं, कितना बड़े हो, कहाँ तक पढ़ाई की है ये पूछते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? पढ़ाई समझ में नहीं आती थी मुझे। सोमू सर पसंद नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया, पढ़ाओगी क्या? अंग्रेजी का मास्टर अपन को पीटता था, एक दिन अपन ने उसको धोड़ाला। तुम्हारा मालिक कौन है? मेरा कोई मालिक नहीं है मैडम, हम 7-8 बच्चों का एक मालिक है। हमारी जितनी भी कमाई होती है हम मालिक को दे देते हैं। यहाँ पर काम करते हो तो क्या इसकी सफाई भी करते हो? हम सब बच्चे सोमवार को बीच साफ करते हैं। वेरी गुड। हम दोनों यही बीच पर रहते हैं, पिताजी गाने गाते हैं और मैं उस गाने पे नाचती हूँ। मेरा बाप मर गया और माँ किसी के साथ भाग गई। थिएटर में बिस्कुट भी बेचा लेकिन थिएटर भी टूट गया। फिर मुझे किसी ने कहा चेन्नई में आसानी से काम मिल जाता है, तब से मैं यहाँ के पानी के पाउच बेचता हूँ। और क्या करता? बापू को जानलेवा बीमारी हो गई, अम्मा को एड्स हो गया तो वो शर्म के मारे आत्महत्या कर गई। फिर मैं चाचा के साथ रहने लगा। काम सही से कर नहीं तो मार खाएगा। उसने 8वीं के बाद मेरा पढ़ाई रुकवा दिया क्योंकि वो खुद भी 8वीं तक पढ़ा है ना। अम्बिका इधर आ, वहाँ क्या टाइम पास कर रहा है? मेरा पढ़ाई रुकवाया, उसके बाद अपनी दारू की दुकान में मेरे को काम पे लगा। पनीर भुर्जी लग रहा और वो भी जल्दी, घुरता क्या है, चल निकल। ए, एक बोतल इधर दे। ये 8 नंबर का ऑर्डर है। हाँ, ये 10 नंबर का है, देख क्या। दो देसी लाने को बोला था ना, अभी तक लाया क्यों नहीं? अरे मत। ए, यहाँ इतना काम पड़ा है और तू खड़ा खड़े सामने देख रहा है। काम करके अच्छा नहीं लगता था, मेरे को पढ़ाई करने का शौक है, इसलिए अभी काम करके पैसा कमाएगा और साथ में 10वीं का पढ़ाई करेगा। चाचा को बिना बताए एक वैन में बैठ के चेन्नई आ गया और बाद में पता चला वो मुर्दे लोगों का वैन था। पानी पाउच बेचता हूँ, 150 रुपया कमाता हूँ, 100 रुपया खाने पीने में जाता है और 50 बचता है। रोज का 50 रुपया तो बचाता हूँ मैं। बड़े होकर क्या बनोगे? बिजनेस करना। मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं बड़े होकर IAS बनूं। पिताजी का कर्जा चुकाने लायक पैसा कमाना है। मेरा कोई परिवार नहीं है, इधर भी लड़के लोग मारते हैं, तो मुझे मेरा परिवार बनाना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और मेरे चाचा के पास कभी नहीं जाना है। जबक मुझसे सवाल पूछ रही है, मुंह तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें कभी भगवान दिखे तो उनसे क्या मांगोगे? मैं तो मांगूंगा कि वो मुझे एक दिन के लिए भगवान बना दे। और तुम क्या मांगोगे? मुझे स्कूल में जाना है, बस वही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और क्या क्या खूबियाँ हैं तुम्हें? लड़का एक और खूबियाँ तीन। मेरा नाम मुकुली है और आप सब जानते हो मुझे, मैं एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। माँ कहती है कि भगवान का साया मेरे ऊपर हमेशा रहता है। इस शूटिंग से बच्चों को दिक्कत तो नहीं आएगी? मुझे नहीं लगता कि उन्हें दिक्कत आएगी, देखते हैं। यस सर। ये फोटो तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में भेजो, उनको कहो कि इसे ढूंढे। ये बच्चा मुझे चाहिए ही। यस सर। हर हाल में। ए, क्या? तूने इस महीने का भाड़ा नहीं दिया है? तू मांगते रहे, मैं नहीं दूंगा। नाम क्या है तेरा? अंबिका राज। मैं तुझे आज से अंबिका बुलाऊंगा। तेरा नाम क्या है? कैलाश। मैं भी तेरे को कल्लू बुलाऊंगा, चलेगा ना? कुछ भी चाहिए होगा तो बोल देना, आराम से आना। फिक्र मत कर, ये मेरे रोज का काम है। मुझसे दोस्ती करेगा? हाँ, आज से हम दोनों पक्के दोस्त। चल घूमने जाते हैं। कैसा है दोस्त? तेरे जैसा। मस्त ना? रहने दे। ये लो दादा आपके पैसे। मैंने आज तक ट्रेन को सिर्फ बाहर से देखा है, अंदर कभी नहीं गया। ऐसा? तो चल लेके जाता हूँ। वाह, ये अंजलि, तू मेरे साथ दोस्ती करेगी क्या? करूँगी ना। बहुत जल्दी ढोल बजाना सीख गया। हा? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तुम मुझे अपनी 10th स्टैंडर्ड की बुक्स दोगे क्या पढ़ाई के लिए? हाँ दूंगा। थैंक यू यार। मरीना बीच पे हर तरफ कचरा। ये लो। गोरी लड़कों के साथ फोटो खिंचवाया। अरे वाह, गोरा लग रहा हूँ ना। ए, 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 ए।
मैंने भी फोटो खिंचवाया, ये देख। पोज देख रहा है क्या? मैं तो बाहर के लोगों के साथ फोटो खिंचवाया, तूने तो अपने लोगों के साथ खिंचवाया। ए, बाहर वालों के साथ फोटो खिंचवाना आसान है, अपने लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में हिम्मत लगती है। मेरा फोटो बेस्ट है। ये तो मानता हूँ। एक लड़का तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे कहीं से भी खोज निकालो। ए सुनना, भजिया खाते हैं क्या? नहीं यार, मेरा पेट खराब है। अरे लेकिन मेरा तो ठीक है, मुझे खिलाना। आना छोटू, जो भी मांगता है दे दे इसको। ए भाई, दो कांदे की, दो मिर्ची की और चार आलू वाली देना, और ये सब गरम होना चाहिए। हाँ अरे खाना। अरे जा, मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। जिस हाथ से बगल खुचा रहा था उसी हाथ से बेसन मल रहा है। इसे तो भिखारी भी ना खाए, तू खा ले। ये सुनने के बाद मेरा खाने का मूड ही मर गया। खा। नाक बंद करके खा ले। क्या? मैं नहीं खाने वाला ये। ये भाई ये ले, तू खा ले। बेचारा, इसकी हंसी में भी इसकी भूख दिखाई दे रही है। आराम से खा रही है, आराम से। मैं तुझे भिखारी लगता हूँ? तेरी चटनी आग में गई, भिखारी होगा तू। पहली बार किसी ने इतने प्यार से तुझे खिलाया है। अरे छोड़ ना, चल वहाँ जाके नींबू पानी से मुंह धो लेते हैं, आजा। ए रुक, इसका पैसा कौन देगा? नीचे गिरी है, उठा के रख ले। कहाँ से आ जाते हैं फोकट चंद कहीं के? धंधे के टाइम पे नुकसान करवा दिया, किस्मत ही फूटी है। पोस्टमैन, हमारी चिट्ठी आई। आएगी आएगी। आप हमारे खेल के जज बनोगे क्या? पर खेल कौन सा है? हम लोग अभी सुसु करने वाले हैं, जिसने भी दूर तक सुसु किया वो जीत जाएगा। पर इसमें जज का क्या काम? आपको ये बताना है कि किसने सबसे ज्यादा दूर तक सुसु किया। पर मैं तो सरकारी नौकर हूँ, कैसे जानूंगा? इसलिए तो तुम्हें जज बनने का मौका दे रहे हैं। क्या बच्चे, जा रहा हूँ मैं। और हाँ, जरा आराम से काम निपटाना, कहीं बाढ़ ना आ जाए। इन्हें देखकर बचपन याद आ गया। ला 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 ला। अरे आज मैं ये गुनगुनाने कैसे लगा? क्या लगता है, ये अपने दोस्त बनेंगे? अरे लोग अपने से छोटे हैं, दोस्ती कर लेंगे आराम से। ये क्या कानून है यार, बीच पे पानी नहीं बेच सकते। तो चने बेचे क्या? साथ में बेचते हैं। आज सालों का उपवास टूटेगा। एक भी खोपचा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, अपना खोपचा खुद बनाते हैं। इसे प्यार करने वालों की हाय लगेगी। क्यों, दोस्त है क्या तुम्हारा? बस क्या। अरे यार, इस लड़की को तो देख, ऐसी कोई मेरे साथ होती तो। अरे इसको ही पुछले आ रही है क्या? इसलिए मुझे पसंद नहीं है बीच पर। अगली बार धोया रूम बुक करूंगा। चलो, किसी की तो प्यास बुझी, वहां पे चलते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आना चाहते थे? वो क्या है कि डर डर के प्यार करेंगे तो घर भर के बच्चे पैदा होंगे। अंकल, शंख लोगे क्या? प्यार का शटर आधा ही खोला था और तू आ गया, जाना यहाँ से। मैं भी तो बेचने अभी आया हूँ। चल भाग यहाँ से। एक दिन तुमको यही शंख बेच कर रहूंगा और इसी शंख पे तुझे बिठा दूंगा। क्या कंजूस आदमी है, मेरा साथ छोड़ोगे तो नहीं? ठरक की कसम, कभी नहीं। भैया चना खाओगे? नहीं चाहिए। भैया भाभी को तो पूछो। नहीं चाहिए। अरे भाभी खा लो, कितना सूख गए हो। तुझे सुझा दूंगा, जाए से। बाय आंटी। आंटी बोल तो। पूरा बीच सब कुछ मुझे ही बेचने आ रहा है। सोनू बाबू, सोनू बाबू को छूने तो दे नहीं रही। बाबू गजरा लोगे? इतनी सुंदर लड़की के साथ आए हो, गजरा तो पहनाओ उसे। मुझे नहीं चाहिए। नहीं दीदी, पहन के देखो, सुंदर लगोगी तुम। मुझे। अरे सुनो ना ताई, रहने दो ना। अच्छा कितने का है? 10 रुपए गजरे का, 5 रुपए पहनाने का। 5 रुपए पहनाने का? इंस्टॉलेशन फीस भी ले रही हो क्या? ये लो, लूट लो। इनको सारा मूड खराब कर दिया। कितनी मन्नतें मांगी थी ऐसे दिन के लिए। क्यों? अंकल कॉफी चाहिए क्या? नहीं, जहर चाहिए। वैसे मुझे थोड़ी भूख तो लगी है, तो कॉफी चलेगी मुझे। अच्छा? दे कॉफी दे। मेरे पास सिर्फ चाय है। तो कॉफी क्यों पूछा? भाग यहां से। जो भी मेरे हाथ की चाय नहीं पीता है ना, तब से उसका बुरा वक्त चालू हो जाता है। संभाल के रहना अभी। तेरा टाइम खराब करूं? अरे घूंघट उठाने का टाइम आज नहीं है। नहीं, मेरे पड़ोसी यहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये उम्र बीच पे घूमने की नहीं, दूसरों के घरों में आग लगाने की है। मैं जा रही हूँ। अरे स्वप्ना, बाद में मिलूंगी तुमसे। सोचा था आज इसके साथ डीपी रखूंगा, ध्यान से जाना। मे आई कम इन? गेट आउट। सॉरी भाई, गलती हो गई। अरे सुन, हाँ, पहला बंदा जो तमीज से बेच रहा है। खाएंगे आप? तू आ, बैठ इधर। टाइम इज मनी, बोलो कितने दूं?
आधे घंटे में तू कितने का बेच लेता है? 10 तो जाते हैं। तो वो मुझसे ले लेना। आ बैठ इधर। कितने का चना बेचता है? बस 5 रुपए। पांच ना, ये 5 का आंकड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। समझ में नहीं आया? बस स्टॉप, कॉलेज, स्टेशन, 5 महीने तक उस लड़की का पीछा किया, तब जाके वो यहाँ आई और तुम लोगों ने उसे भगा दिया, चली गई वो। किसने भगाया? तेरे साथियों ने। चे, ये रोना धोना मेरे सामने करके कोई फायदा नहीं है, मेरा उस गैंग से कोई लेना देना नहीं है। ओ, तू आसमान से उतरा है क्या? इतने बड़े होकर इतनी छोटी बात पे बच्चों की तरह रो रहे हो? अरे छोटू, तू मेरी कहानी सुनेगा ना तो फूट फूट के रोएगा। शॉर्ट में सुनाओगे तो सुनूंगा, वरना जा रहा हूँ। वाह, मुझे सोने की चेन मिली और तुम्हें की चेन मिला। बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब मत कर। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। चाबियां हाथ लगते ही उसे संभालने वाली भी मिल गई। इससे सेटिंग करने की ट्राई करनी चाहिए। स्क्वीज मी। हाँ कहो। ये चाबी आपकी है? नहीं तो, आपकी है? नहीं, मेरी भी नहीं है। नहीं है तो फिर उठाई क्यों? सोचा जिसकी होगी उसे वापस कर दूंगा। लोगों से पूछ पूछ के फेंक दोगे, उससे अच्छा यहीं पर छोड़ दो उसे, जिसकी होगी वो आकर खुद ही ले जाएगा। रख दो उसे यहीं, ओके? रखूंगा नहीं, फेंकूंगा। ये साइकिल वाला कुछ ढूंढ रहा है। भाई साहब, चाबी खोई है क्या? हाँ भाई। यही है ना? थैंक्स भाई। क्या देखते, प्यार हो गया? उसे भी हो गया, तभी तो पलट के देखी। कैसे पता वो प्यार से देख रही है? गुस्से में लड़की मुड़ के देख नहीं सकती है क्या? गुस्सा तो तू दिला रहा है, भागे से। ए, कहाँ जा रहा है? ओए सुन, यहाँ बैठ के खा रही है? कोई खाता है क्या? तेरे पैसे की खा रही क्या? जहां से उंगलियां चाट के खाओ। अबे थूक। तो जैसा गधा देखा नहीं, इसीलिए तो कब से कह रही हूँ तुझे। स्वप्ना सुंदरी। स्वप्ना, स्वप्ना सुंदरी, स्वप्न सुंदरी। तूने स्वप्न सुंदरी को गाड़ी चलाने से रोका, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो दिखा ना। हाँ दे दो। ये नारियल वाला बहुत पसंद है मुझे। वो क्रीम वाला नहीं लाया आज तू? अपनी बोली तो हो गई। थैंक यू अंकल। कभी केक, चॉकलेट, गाय की तरह कुछ ना कुछ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और कभी एक बाइट मांग भी लो ना तो मुंह फुला लेती है। तुम बोलते रहो। फिर उसे मनाने के लिए कुछ और खिलाना पड़ता है। अरे वाह, बिरयानी, 2 प्लेट बिरयानी। अबे चश्मा क्यों पहन रही है? किसी पे गुस्सा आ रहा है बस। अरे भाई, लगता पेट्रोल लीक हो रहा है। पेट्रोल नहीं है रे, एक डॉगी यहाँ से गुजरा था। चल बहुत टाइम पास कर लिया, निकलते हैं यहाँ से। मोटरसाइकिल का बजट नहीं, साइकिल देखते हैं। आगे गली, वहाँ पे बच्चे साइकिल पे स्टंट्स करते हैं। अबे तुझे बोला था ना, प्यार के चक्कर में अच्छे चूंकि नैया डूब जाती है, तो ले। मैं धीरे करना। ये ले, चल चल जल्दी चल। बॉस, पैसे तैयार रखना। हाँ दे दूंगा। वाव यार, यस, ये ले। उसने मेरा दाना चुग लिया है। जब से उससे प्यार हुआ है 10 मिनट भी उससे दूर नहीं रह पाता हूँ। मैं होता तो मुझे वो 10 मिनट भी फांसी का फंदा लगता है। अबे जब तुझे कोई मिलेगी ना तो 10 साल तक मुझे नहीं मिलेगा। देखा उसने? हाँ देखा। हाँ, अरे शर्ट रख ले। थैंक्स। ये ले,
ये ले पैसे रख, चल चल निकल। ए, रुक रुक, सड़क छाप रोमियो, सर्कस कंपनी में काम करते हो क्या? सर्कस तो नहीं, पर काफी सारी कंपनियों का मालिक हूं। तो दिन भर बाइक पर फालतू क्यों घूमते रहते हो? बाइक स्टंट करना कोई मामूली काम है क्या? इतनी मुश्किल से मैंने सीखा क्योंकि तुम्हें पसंद है। मुझे पसंद है ऐसा तुमसे किसने कहा? क्योंकि उस दिन सड़क पे उस लड़के ने विली मारी तो तुम्हारे मुझसे हाय उई हाय दैया निकला। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी हड्डी पसली टूटने वाली है। तुम्हें भी शौक है अपनी हड्डी पसली तुड़वाने का? सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया। बोलती क्यों बंद हो गई? जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ कह तो दूं, पर क्या तुम सुनने को तैयार हो? ठीक है, कह देता हूँ, आई लव यू। क्या मारोगी तो नहीं ना? कुछ नहीं करूंगी। पिछले 5 सालों में 500 लड़कों ने मुझे इसी बोरिंग तरीके से प्रपोज किया है, तो कल मजेदार तरीके से करूं? इससे पहले कि मेरा दिमाग ज्यादा हटे तू निकल जा यहां से। नाके तक बाइक पर चलो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ब्रेक नहीं मारूंगा। हे भगवान, तुम लड़कों को कुछ समझ क्यों नहीं आता? कितने बुद्धू हो, लड़की कोई ऐसे पढ़ाता है? किसी को पता भी होगा तुम जैसी लड़की कैसे पढ़ती है तो बताएगा थोड़ी, लेकिन तुम पढ़ गई ना तो मैं उसकी क्लासेस जरूर खोलूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? संजय नाथन। संजय नाम होने से कोई हीरो नहीं बन जाता। स्वप्न सुंदरी नाम रखने से कोई मिस यूनिवर्स नहीं बन जाती। स्वप्न सुंदरी नहीं, सिर्फ स्वप्न जो कभी पूरा होगा। मजाक कर रहा था। तो फिर प्रॉमिस करो। प्रॉमिस तुम्हारे नाम के आगे सुंदरी नहीं लगाऊंगा। अरे बाबा वो नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि बाइक पर स्टंट नहीं करोगे। अरे पक्का प्रॉमिस, यूं समझ लो मुझे कभी स्टंट करना आता ही नहीं था। एक और प्रॉमिस करो। और क्या चाहिए? तुम बाइक चलाना छोड़ोगे नहीं। अरे क्यों छोड़ूंगा, पैदल थोड़ी चलना है मुझे। तो क्या तुम मुझे रोज घर से कॉलेज ड्रॉप करने आओगे? क्यों, क्या हुआ? पहले तुम भी प्रॉमिस करो। क्या? ड्राइवर बनाने के बाद प्यार का प्रमोशन होगा। ओके प्रॉमिस, आज से शुरू करें। बड़ी लालची लड़की है, बाइक के चक्कर में ही पड़ गई। ओ टच भी किया, थोड़ा चिपक के बैठो ना वरना लोग गलत समझेंगे। ओ मेरी मम्मी ने मुझे देखा ना तो मेरी जान ले लेगी। अरे उनको भी बिठा लूंगा, मतलब मंदिर किटी पार्टी जहाँ भी जाना उन्हें भी छोड़ दूंगा। अरे क्या हुआ? ब्रेक मार के बाइक का पैसा वसूल कर रहा था। सुनो किसी अच्छी जगह चलते हैं ना। मरीना चले? नहीं वहाँ नहीं, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो किस रेस्टोरेंट में चलते हैं? अच्छा मैं आज अपनी पर्स लेना भूल गई हूँ तो तुम अपनी ले लेना। ओके आज मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? क्योंकि जितना तू खाती है उस हिसाब से तो मुझे हमेशा उपवास रखना पड़ेगा। सत्यम चलते हैं। सत्यम? हाँ वहाँ चलते हैं। एक बर्गर, ये एक मुझे कंगाल करके रहेगी। हाय, चलो मरीना बीच चले। क्या जब देखो मरीना मरीना, देखो तो सही कितनी गर्मी है। जब गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी उसके बाद मरीना बीच जाएंगे। तुम्हें जरूर भूख लग रही होगी ना? तुम्हें कैसे पता? मेरे मन की बात बिना बोले ही समझ जाते हो। एक दिन यह लड़की तुझे कंगाल करके रख देगी, मेरी बात याद रखना बच्चू। बैठ गई मैं, चले। 5 महीने से मौसम के ठंडे होने का इंतजार किया और आज जब उसे यहाँ लेकर आए तो तुम बच्चों ने सब कुछ। ये आ गया चने वाला, ये चने वाला। मैंने तुम लोग के रहने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम लोग इस बोट में रह सकते हो, बस 100 रुपया भाड़ा होगा। शुक्रिया दोस्त। अच्छा सुन, तू हम दोनों के साथ दोस्ती करेगा? हाँ करूँगा ना, तीनों हमेशा साथ रहेंगे। तीन नहीं हम एक हैं। तेरी पढ़ाई के लिए मेरी तरफ से। थैंक यू यार। इट्स ओके। सोच यार अगर ये बोट पूरी पलट गई तो। कान के नीचे दूंगा एक। जरूरत नहीं है, जब देखो उल्टा सीधा बोलते हैं। ए अंबिका क्या हुआ? मैंने तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी इसलिए वो लोग मुझे मार रहे हैं, तू संभाल के रहना। अब क्या करेंगे? डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ, देखता तुझे हाथ कौन लगाता है। आपस में लड़के क्या फायदा होगा, दोस्त बन के रहते ना अच्छे से। हमें तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। हार्बर पर चाय बेचेंगे ना, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो क्या बोलते हैं वहाँ पर चलकर देखे एक बार? अंदर जाएंगे कैसे? वो तो मुझ पर छोड़। वाट से। यस। बारिश में धंधे की वाट लग जाती है। दो महीने हो गए हैं लेकिन उस बच्चे का अभी तक कोई पता नहीं चला। एक काम करो, तुम दोनों खुद चेन्नई जाओ लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को पता ना चले,
ये मामला मेरे बेटे का है, इसलिए इसमें जो खर्चा होगा वो मैं खुद दूंगा। यस सर। अपन क्या इतना दूर दूर से प्लेन देखते हैं, मैं तो कहता हूँ एयरपोर्ट चलकर पास से देखते हैं। तो गली चलते देखने के लिए। हाँ चलो फिर कल एयरपोर्ट चलते हैं सब। वो यही कहीं होना चाहिए। पहले होटल में एक रूम लेके फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? बच्चों ने साइकिल किराए पर ली, उसे सजाया और उड़ चले एयरपोर्ट की तरफ। सर का फोन है। हाँ सर कहिए। हाँ मुकेश पहुंच गए तुम लोग? हम लोगों ने अभी अभी लैंड किया है सर। क्या अभी लैंड किया है? अरे वो प्लेन कितना नीचे से गया। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर एक फ्लाइट हमारे ऊपर से निकल गई। टाइम पास चल रहा है वहाँ। 24 घंटे में ढूंढ के निकाल लेंगे। जल्दी करो। भरोसा रखिए सर, हम ढूंढ लेंगे। क्या करने भेजा और क्या कर रहे हैं? इसका चालान काटेंगे तो कितना मिलेगा? क्या पता इन्हें भेज के गलती तो नहीं करती। अरे ये तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। तो अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो? चुप रहे यार। अरे मैं मजाक कर रहा था। आओ चलो और नजदीक से देखते हैं। चलो कितना बड़ा है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अच्छा? जब देखो इसके दर्शन पहले हो जाते। किसी ने इसे जानबूझकर मेरे पीछे छोड़ा हुआ तो नहीं है? कोई बात नहीं, मैं अपने फोकस को नहीं हटने दूंगा, बीच पर कार्यक्रम करके ही रहूंगा। चना गरम। चाय कॉफी। चना सौ ग्राम। अरे बाप रे, ये बच्चा पार्टी यहाँ पर भी है? हाँ सब यही। एक काम करते हैं, उस कोने में चलते हैं। नहीं मुझे कोने वोने पसंद नहीं है। कोने में जाने से पहले सब ये बोलती हैं, बाद में ड्रैकुला बन जाती हैं। चलो यहीं चलते हैं। भैया चना लो। ये क्या, तुमने भी दुकान खोल दिया? अरे तू जाना यार, ये कर दिया स्टेटस अपडेट, अब कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगा, ठीक है ना? क्यों हंस रहे हो? एक जोक आया है। मुझे भी सुनाओ ना। कुछ खास नहीं है, दोस्त ने भेजा है। आज सिर्फ ये मैसेज छुपा रहे हो, कल उठकर पता नहीं मुझसे क्या क्या छुपाओगे तुम। भौंकना सुंदरी। स्वप्ना। हाँ स्वप्ना सॉरी, मैं तुम्हें मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है ना? वैसे भी लड़कों को अकल थोड़ी देर से आती है। और तुम लोगों को आती नहीं है। लड़कियों के बिना ये दुनिया कैसी होगी? इंटरेस्टिंग, जवाब क्या है? हर जगह शांति होगी। सारे पार्क और बीच खाली हो जाएंगे। वो तो है, सब कितना बोरिंग होगा ना। सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, मोबाइल कंपनियां तक बंद हो जाएंगी, मैसेज और कॉल पर किट-किट की झंझट ही नहीं, गहनों और परफ्यूम की दुकानें बंद हो जाएंगी, बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, उनके बाप को कितना फक्र होगा, दारू के सारे अड्डे हमेशा के लिए बंद। जब फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। अब तुम्हें ये सब सुनकर खुशी हो रही है ना? ना ब्रेकअप का टेंशन, ना पैचअप का स्ट्रेस, ना ही बर्थडे याद रखने का कोई सरदर्द। थू, कितना घटिया मैसेज है। नहीं वैसे देखा जाए तो इंसानों के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। नहीं मतलब सारी प्रॉब्लम हमारी वजह से है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दोस्त बोल रहा है। तुम्हारा दोस्त घटिया आदमी है जिसे औरतों की इज्जत करना ही नहीं आता। आज की बात तो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दो वरना वो तुम्हें भी बिगाड़ देगा। लिस्ट में बस यही बात लिखना भूल गया। वो क्या? कि किसी लड़के को अपनी दोस्ती कभी तोड़नी नहीं पड़ेगी। ये सब सुन के भूख लग गई होगी ना, चाय में मक्खी गिरी थी। तुम्हारी सोचना इस चाय से भी ज्यादा घटिया है। अच्छा मजाक करती हो? सच कह रही हूँ। ये घटिया मैसेज तुमने मुझे भी भेज दिया। ओहो, तुम्हें भी मिल गया।
वो क्या इसमें लिखा था अकेले मत हंसना सबको हंसाना, इसलिए सेंड ऑल किया, तुम्हें भी मिल गया। स्वप्ना चप्पल से मारूंगी अगर मेरा नाम लिया तो, और मेरे पीछे मत आना। अंकल शंख लोगे? निकल वरना तेरी शंका बढ़ाऊंगा। तुमको तो ये बेच कर रहूंगा, वादा है। तुझे शंख पर बिठा के रहूंगा। जा रहे कंजूस आदमी। इस बार भी सपना पूरा नहीं हुआ। सारे जहाँ के झंडों से अच्छा तो अपना तिरंगा लगता है ना? हाँ, जब अपना तिरंगा लहराता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रवि। ये देख तेरी बहन। हाय बहन। जोर क्या है? अरे ये लोग अंबिका जैसे क्यों नाच रहे हैं? अरे यार तू भी तो अपनी जगह से हिला तो देख, उसने छक्का मारा, कितना हिल रहा है, जहाँ था वहीं रहना। ये क्या बात है यार, सही में छक्का जाएगा। और अच्छे अंबिका, अगर अपना इंडिया हार गया तो क्या होगा? अरे मनहूस। अब क्या हुआ? अगर इंडिया हारी ना तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ लूंगा, जा। अरे तू मेरे लिए बहुत खास है, इंडिया जीतेगी देख। उसकी बॉलिंग सही नहीं है। एक काम करता हूँ, उसके लिए शंख बजाता हूँ। फोड़ दे यार। हेलो, आप सॉरी, वो वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है इसलिए नहीं आया, पर कल पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है? प्यार में पड़ा हुआ आदमी और धोबी का कुत्ता, दोनों ना घर के ना घाट के। अरे आउट हो गया यार। पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा। एक आउट हो गया। पोस्टमैन, हमारी कोई चिट्ठी आई? हाँ आएगी आएगी। एक चिट्ठी आप ही डाल। ठीक है कल डालता हूँ। अपने को भी खेलना चाहिए क्रिकेट, दो टीम बना के खेलेंगे, जो जीता उसको कप मिलेगा, फिर आपस में मिल बांट के पार्टी कर लेंगे, क्या बोलते हो? खेलते हैं यार, मजा आ जाएगा। अंबिका क्या भारी आइडिया है बे। तो चलो सबसे चंदा मांगते हैं। हाँ मांगते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए चंदा चाहिए, दो ना प्लीज। इतने भी कंजूसी ठीक नहीं, कुछ तो दो। थैंक यू, भगवान आपका भला करे। दादा पैसे दो ना। थैंक यू दादा। पोस्टमैन आपका तो हम बनता है। गाने वाले चाचा दो ना। क्या मामू चिल्ले डाला, बड़ी नोट डालना। बाय बाय अंकल, बाय। और अंजलि कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तेरे दोस्त गए? गए क्या वो लोग? तू भी जा। बाय। क्या खड़ूस बाप है। अच्छा बच्चे कितने होंगे? ये दो बच्चे। अरे वाह। अरे अच्छे से भूनना। पता है मुझे भुट्टे बहुत पसंद है। कुछ भी हो जाए कल की मैच में अपनी टीम को ही जीतना है। हम ही जीतेंगे। ये सही है, कितने का ये? 500 रुपए का। वो लड़का इसी साइड में कहीं होगा। आज बहुत ही अच्छा दिन है, तेज धूप है और क्रिकेट के लिए एक बढ़िया दिन है। गेम शुरू होने वाला है और अंबिका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। वाह, दोनों बल्लेबाज काफी उत्साह में हैं। लगता है पारी की शुरुआत दमदार होगी। सचिन आते हुए बॉलर बहुत जोश में है और इन्होंने गेंद डाली, और ये क्या डंडा गोल। अंबिका की टीम ने खाता भी नहीं खोला। काफी निराशा के साथ वापस लौटते हुए बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए चाचा ने ढोल बजा दिया। कल्पेश ने बैट घुमाई और ये चौका, बहुत ही शानदार शॉट है, और ये कैलाश का छक्का। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन लेते हुए, और ऐसे में रन आउट भी हो सकता है। बॉलर ने डाली फुल टॉस और ये कैलाश का शानदार चौका। कैलाश का चौका, कल्पेश का छक्का, दर्शक भी बहुत उत्साहित हैं। बॉल गई दिल्ली और उड़ गई उनकी दिल्ली। दर्शक बहुत ही निराश है। नए बल्लेबाज भी बहुत ही जोश में हैं और इसी के साथ एक और विकेट। मुझे आउट करना इतना आसान नहीं है। चल रहे बैटिंग करना पहले। लंबू ने डाली बोलिंग और टिंगू ने मारा छक्का और हो गए कैच आउट। जा बॉल गई सीमा रेखा के बाहर और ये खुशी दिखाने का क्या ढिंचैक आइडिया है।
बॉल उड़ी हवा में और उछल के आई बॉलर के हाथ में और इसी के साथ अंबिका की टीम की हो गई बत्ती गुल। कितना? उसे जल्दी ढूंढो। और अब गुरिंदर के छोकरे आ रहे हैं बैटिंग के लिए। चलो बॉयज, हम ही जीतेंगे। कप्तान हो तो ऐसा, पहली ही गेंद में लंबू का लंबा छक्का। पकड़ना कप्तान, बहुत गुस्से में है। मरीना बीच पे चौके छक्कों की बारिश हो रही है। गुरिंदर की टीम की पहली विकेट। और मैदान पे बच्चों के चहेते पोस्टमैन अंकल भी आ गए। गेंद हवा में और सीधे कैलाश के हाथ में। बहुत ही बढ़िया कैच था। अंबिका की टीम बहुत ही खुश है और रन लेने का सिलसिला जारी है। अरे अंकल, दोनों बल्लेबाज एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे हैं। और ये क्या कैच! कप्तान अपना बल्ला घुमाते हुए मैदान में। इसे कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वाह, शॉट पे शॉट। टैलेंट तो इन छोकरे लोग में कूट कूट के भरा है। शंकोली ने मारा शानदार शॉट। रन आउट होने ही वाले थे लेकिन बच गए। शॉट मारा है। रहने दे रहने दे, दो दो रन से कुछ नहीं होगा, मैं सीधा छक्का मारूंगा। सचिन समझता है क्या? अरे चल खेलना है। बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। एक मिनट रुक जाओ, अपने कैप्टन युवराज और धोनी से कम नहीं है। पागल है क्या? क्या गुरिंदर, कितना टाइम पास कर रहा है? खेलना, खेल शुरू करो। अरे डंडा गुल बेटा। अंबिका ने डाली तेज गेंद और ये लगा एरोप्लेन शॉट। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बॉलर अपना गुस्सा गेंद पे निकालते हुए और ये लगा शानदार छक्का। अंबिका की टीम में खलबली और अब बाउंसर डालने की पूरी तैयारी। अरे क्या टाइम पास कर रहे, बॉल डाल। हट, मुझे नहीं खेलना है, थोड़े दूर से बॉलिंग कर। कप्तान आज अपनी जीत पक्की करके ही आए हैं, हर बॉल पे शॉट लगाते हुए। ये शानदार छक्का और इसी के साथ गुरिंदर की टीम जीत गई। दर्शक बहुत ही खुश हैं और गुरिंदर की टीम सातवें आसमान पर। बहुत ही रोमांचक मैच था और दोनों टीमों के बीच टक्कर की मैच हुई। इन गरीबों को कप दो। क्या कप? ना तो ये कोई वर्ल्ड कप मैच था और ना ही मैं कोई चीफ गेस्ट जो कप इनाम में दूं। मैच में तो वीआईपी कप देता है, आओ ना पोस्टमैन। ये किसने कहा कि मैं वीआईपी हूँ? तुम सरकारी नौकरी करते हो तो वीआईपी नहीं तो और क्या? भाई तुम लोग जाओ खेलो, मुझे अपना काम करने दो, मैं जा रहा हूँ। मुझे बहुत काम है, जाने दो ना। अरे तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो, आओ ना इधर। नहीं, हम लोग हार गए। तुम लोग भी जीत गए। सब लोग जीत गए। आओ आ जाओ, ठीक है। यार मेरा नसीब तो बचपन से ही खराब है। स्कूल में आगे बैठने का इतना शौक था लेकिन कभी नहीं मिला। बस में चढ़ता तो कभी सीट नहीं मिलती। मंदिर में जाता तो लोगों की इतनी भीड़ की भगवान को दूर से ही दर्शन करके निकलना पड़ता था। वैसे तो 20 पानी पूरी खा जाऊं पता ही ना चले, लेकिन कॉम्पिटिशन था तो 10 में ही टाई टाई फिस हो गई। इस सबसे दिल टूटता है यार मेरा। अभी हमेशा ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? तेरे को पता है बचपन में मैंने कितना मार खाया बिस्तर गीला करने के लिए? बिस्तर में तो चाहकर भी रुकने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन जब मैं चाहता था कि वो भर के निकले तब पता नहीं कहाँ डर के छुप गई। एक बार तो मुझे जीतना ही है, जीत के मुझे ऐसा लगेगा कि मुझ में भी कुछ बात है। रो मत, हार जीत जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा कोशिश करते रहने की। चल आज एक कॉम्पिटिशन लगाते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा चाय कौन बेचेगा। चल देखते। अरे भाई कितना हुआ? कितने की है? 3 रुपया। अरे निकल, अच्छा कमा लिया आज। हाँ आज मेरी भी कमाई बहुत अच्छी हुई है। चल सारा पैसा गल्ले में डालते हैं। कल्लू, पैसे का डब्बा नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रहा है? पढ़ाई के लिए जो पैसा बचाया था सारा चोरी कर गया कोई। फिक्र मत कर, वापस कमा लेंगे। जिसने भी चुराया उसका कभी भला नहीं होगा। पेट्रोल चाहिए? कितने का दिया? पेट्रोल पंप पे 80 का मिलेगा, अपुन 50 का देगा। तेरा भी फायदा, अपुन का भी फायदा, देश आगे बढ़ेगा। पेट्रोल बेचेगा? तू 40 का ले ले। मेरी गाड़ी का पेट्रोल चुरा के मुझे बेचेगा? गाड़ी का नहीं, किसी और गाड़ी से चुराया है। तुझे तो आज पुलिस के हवाले करता हूँ। चल छोड़, नहीं चाहिए तो मत ले, लेकिन मार मत। पानी ठंडा ठंडा। तुम सबकी चिट्ठी आई है। ये सुनाई नहीं दिया क्या? लगता है पोस्टमैन मजाकिया मूड में। ये है अंबिका की। अरे क्या मजाक कर रहे हो चाचा, हम अनाथ है, कोई घर बार नहीं है हमारा, कौन चिट्ठी भेजेगा हमें? चिट्ठियाँ पढ़ोगे तब पता चलेगा ना।
पानी ठंडा ठंडा हमको मिलता है, देख लेते हैं। पानी ठंडा ठंडा, आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये है अंबिका की, ये कैलाश और ये कल्पेश की चिट्ठी। ये तो दिवाली का कार्ड है। अरे अपने अब मुझे क्या पता, भेजने वाले का नाम लिखा होगा। तो ₹50 भी है, सच सच बताओ, यहाँ भी नहीं भेजा ना। जाओ खुश रहो, खेलो। पोस्टमैन, क्या हुआ? आज से हम सब आपको अंकल बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे सुनो, उतारो मुझे। दिवाली आ रही है, क्यों ना एक रेस रखे। हाँ इस पैसे से अपन कप भी खरीद लेंगे ना, सही है? अरे कप के बजाय हम कुछ और खरीदते हैं। पर ये टाइम पे हम लोग खेल कौन सा रखेंगे? अंजलि, आइंदा मैं गलती से भी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा। कसम से सारे दोस्त छोड़ दिए, तुम्हारी कसम। बीच पर मिलते। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुमको याद था? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं। इतनी जबरदस्त पैकिंग की है, जरूर कुछ कीमती लाए हो। थैंक यू। मैं समझ गई तुम मेरे लिए क्या लाए हो। अच्छा, एक इंग्लिश फिल्म में हीरो ने हीरोइन को ऐसी ही गिफ्ट दी थी, पता है? एक सोने की रिंग। बेवकूफ होगा, इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है। इसमें उससे भी कुछ खास है, देखो। ओ, हीरे की है क्या? हीरो, कनीज की इच्छा बहुत बढ़ रही है। ये क्या स्पीकर लाए हो? उससे भी खास चीज है। कबाड़ियों की तरह चेक क्यों कर रही है? वाओ, फोन। पता है मैं लेने ही वाली थी। खोलो ना। तुम हलवा लेके आयो मेरे लिए? अच्छे, वो तो यहाँ पर बासी बेचते हैं, उससे भी अच्छी चीज है। ए, आराम से आराम से। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट इडली और नारियल की चटनी। रुको, चश्मा लगा कर देखो तुम्हारा गिफ्ट कितना फ्रेश है। पता है मेरे एक दोस्त ने कहा परफ्यूम ले जा, दूसरे ने कहा ड्रेस, तीसरे ने कहा नहीं नहीं मोबाइल ले जा। मैंने कहा उसे ठूसने का शौक है, उसे तो सिर्फ इडली पसंद आएगी। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ खाने मिलता ही नहीं ना, भुक्कड़ हूँ मैं। अरे शुभ शुभ बोलो, वैसे भी ये तुम्हारी फेवरेट डिश है ना, और तुम्हें कभी भी भूख भी लग जाती है, तो सोचा बर्थडे के दिन तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज खिलाऊं। सही किया ना मैंने? ओके, फ्री का खाने को मिल जाए तो ये गधे को भी अपना बाप बना ले। तुम्हें पसंद आया ना? चेहरे से पता चल रहा है कितना टेस्टी है। चटनी एकदम बासी है, एक काम सही से नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे लिए कल ही तो पैक करवाई थी, पैकिंग में कितना टाइम गया। यूज़लेस, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। सपना सर, ये वही है जो पेट्रोल चोरी करके बेचता है। तो ये वो, रुक अभी देखता हूँ। घुमा, इतने दिन हो गए इन्हें जाकर और बच्चे की कोई खबर नहीं। अरे और तेज घुमा ले। हेलो, हाँ कैसी हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त हम कहाँ पे हैं? डार्लिंग, मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हमें यहाँ हनीमून के लिए आना चाहिए था। यहाँ बीच पे बैठे बैठे बढ़िया सूखा भेल खा रहा हूँ। चल, हम लोग ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं। मैं ना इतने सालों की नौकरी, ये सोच रहा हूँ कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होंगी ना, तो उन्हें यहीं पर घुमाने लेकर आएंगे। उन्हें बहुत मजा आएगा। यहाँ बैठे बैठे नजारा देख रहे हैं और तुम लोगों से बातें कर रहे हैं। ए, सर का फोन आ रहा है, अबे मत उठा। हाँ, 300 रुपए। हाँ, और पॉपकॉर्न के 250 रुपए। अभी रखता हूँ, अम्मी तुम्हारे भल पाशी। ठीक है, बॉस का फोन आ रहा है। हेलो सर, कहाँ हो तुम लोग? बच्चे को बीच पर ढूंढ रहे हैं सर। लोकेश कहाँ है? वो नॉर्थ में है, मैं साउथ में हूँ सर। काम ठीक से कर रहे हो कि नहीं? और क्या करेंगे सर, चील की आंखों से ढूंढ रहे हैं उसे। चील की आंखों से? सर एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ क्या है, बोलो। थोड़ी देर पहले मिसेस का फोन आया, वो कह रही थी कि बच्चा बहुत मिस कर रहा है। एक दिन के लिए आने दीजिए सर, उनसे मिलके वापस आ जाएंगे, आपकी कसम। कोई जरूरत नहीं है,
बच्चा मरीना बीच पर है। क्या क्या वो है? मरीना बीच पर है, न्यूज चैनल पे देखा, वो वहाँ चने बेच रहा है, जाओ पकड़ो उसे। ठीक है सर। एक और रिक्वेस्ट है आपसे सर। अब क्या है बोलो। एक पुलिस वाले से कह रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है सर। पहलिया मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो। जरा 5,000, हम दोनों के लिए 5,000 भेज देते तो हमें काम करने में आसानी होती। अच्छा ये बात है, ठीक है भिजवाता हूँ। थैंक यू सर। सर 24 घंटे में ढूंढ के उसे आपके सामने ले आएंगे। नहीं मुझे काम चाहिए। ओके सर। पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? पहले के दिए पैसे खत्म हो गए, लगता है मेरे पैसों से अय्याशी कर रही है दोनों। जब पैसे मिल जाएंगे ना तो दारू खरीदेंगे, पार्टी करेंगे, फिर जाकर बच्चे को ढूंढेंगे। पहले गला गीला करते हैं, उसे बाद में ढूंढेंगे। साहब अपने लड़के को जानता है? कौन से लड़के को? ये लड़के को। कहाँ रहता है? ये तो बीच पे ही रहता है। आई लाइक इट। सर ने हम लोगों को भेज के बहुत पुण्य का काम किया। अरे सर का फोन है। तूने फोन ऑन क्यों रखा बे? गुस्सा आएगा। हाँ जी। कहाँ हो तुम लोग? सर हम लोग ना राउंड्स पे निकले हैं। राउंड्स? हाँ सर राउंड्स पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइट हाउस पुलिस स्टेशन में एक बच्चे को पकड़ा है, वो बच्चा कैलाश को जानता है, जाओ जाकर देखो मामला क्या है। वो क्या है, अब इतनी रात हो गई है सर, मरीना बीच पर भी अंधेरा होगा, यहाँ पर लाइट ही नहीं है सर, सुबह होते ही चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, सुबह होते ही चले जाना। हाँ सर, हम दोनों 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। लगता है पी के बात कर रहा था, शायद उन्हें पता लग गया हम पी रहे हैं। उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तू पैक बना, वो इतना स्मार्ट नहीं है। दादा को तो देखो। अरे वाह दादा, एकदम हीरो लग रहे हो आप। चलो इन कपड़ों में। आज तुम्हारा कॉम्पिटिशन है ना, मैंने सोचा तैयार होकर आऊं। आप जाके लाइट हाउस में रुकिए। चलिए। उसको कहाँ देखा? अपुन ने उसको वहाँ देखा था। अच्छा, अच्छा वहाँ देखा था। हाँ साहब। फिर तो बच्चा यही होना चाहिए। तो दोस्तों क्रिकेट की मैच देखने में मजा आया ना, तो चलिए आज लुत्फ उठाते हैं रेसिंग की कंपटीशन का। कल्लू आज तू जीतेगा या मैं जीतूंगा? देखना मैं ही जीतूंगा। अंजलि और दादा कंपटीशन का मजा लेने के लिए लाइट हाउस पर जा रहे हैं। रेडी और जिंदगी की रेस शुरू। ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे यूसेन बोल्ट के चेले हैं। उम्र कोई भी हो लेकिन कलाबाजी दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अंबिका और बाकी बच्चों की रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन कैलाश और कल्पेश एक दूसरे को टक्कर की टशन दे रहे हैं। ये बच्चे भले ही दिखने में माचिस की तीली हो लेकिन इनमें आग बहुत है, चीते को भी दौड़ में हरा दे ऐसा इनका जुनून है। और इसी के साथ कैलाश ने यह रेस जीत ली। मरीना बीच पे आज रेत भी हवा से बातें कर रही है। इन बच्चों का जिंदगी को देखने का नजरिया देखकर फिर से बच्चा बनने का मन कर रहा है। दिल तो अभी भी बच्चा है जी। चलो अब फटाफट जीतने वाले को उसका इनाम देते हैं। अभी कैलाश को इनाम कौन देगा? अरे हम लोग ही दे देते हैं। हे, मैं दूं? जा जा बढ़िया ही। घोड़े वाले को बोलते देने के लिए। अरे वीआईपी आ गए, इन फिरंगियों को ही बोलते ना इनाम देने के लिए। हाँ ये सही रहेगा। हाँ तो चलो बुलाते हैं उसको। अंग्रेजी में बात कौन करेगा? हम में से तो किसी को नहीं आती ना, अंग्रेज देखकर मेरी जबान अपने आप चल रही है। उनसे तू ही बात कर। कितनी सुंदर दिखती है। अरे मुंह बंद करो। Hello, वो क्या सोचेगी अपने बारे में? मैडम बात है। आई टॉक यू सी तुम यू प्राइस दो इनको। वेट तेरी भारी इंग्लिश सुन के भाग जाएगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट दे से? ये मुझे दे दो। एक फोटो खींचिए। हां फोटो तो बनता है। चलेगा चलेगा। अरे अरे हट, ये देखो मेरा पोज, मैं जीत गया। इधर मेरा शक्ल दिखने देना। थैंक यू मैडम। थैंक यू। देखा ना अच्छा इंग्लिश बोला, तभी तो वही नाम देने। मुझे बहुत मजा आया आज। मेरी इंग्लिश सुन के वो चौंक गई। हाँ वो तो है। क्या भारी इंग्लिश बोलता है रे।
अंजलि, अगली बार रेस होगी ना तो मैं ही जीतूंगा। अंजलि यहाँ आओ। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। भाग भाग के थक गया रे, मैं आज कोई शंख बेचने नहीं जाऊंगा। मुझे भी ऐसे जूते चाहिए। जा रे, पका मत। कैसे जलता है? जूते चाहिए क्या? दे रहा है क्या? बिना चले गंदे हो गए। वही है क्या? देख सामने। हाँ यही है। अच्छे लग रहे हैं ना, चल के देखो क्या। आराम से चलना। ए ध्यान से चलना, कहीं जूते फट ना जाए। अरे तुम लोग इतना क्यों बुरा बोल रहे हो? बेटा तुम्हारा नाम कैलाश है ना? हाँ मैं ही हूँ। अरे हम तुमसे मिलने आए। आप कौन? चलो। अबे तेरी भाग रहे हैं। ए जाने मत इनको। ए बचाओ मुझे। ए पकड़ो मुझे। पकड़ के ले जाएगी। अरे भाग जा कहाँ है? किसी को पता है ये मुजरिम है? इसके पीछे मत आना वरना जेल में डाल देंगे। हम लोग पुलिस वाले हैं, अगर कोई बीच में आए तो उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। अंकल छोड़ दो ना उसको। अंकल मत लेके जाओ उसको। सॉरी अम्बिका, माफ कर देना यार। ए तुझे मेरे जैसा दोस्त ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अंबिका अपने को कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो सर, हमने बच्चे को पकड़ लिया है। अच्छा पकड़ लिया, उसे संभाल के लाना। जी सर। ध्यान रखना कहीं भागे नहीं। ठीक है सर। हाँ क्या रे, एसपी तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, ऐसा कौन सा कांड कर दिया तूने? हैं? ए, चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? सोचा बेचारी औरत है, पति मर गया है इसलिए 50,000 उधार दिया, लेकिन वो तो एक नंबर की चालू निकली। मेरे ही फैक्ट्री के एक आदमी के साथ भाग गई। अब वो पैसा मैं तुझसे वसूल करूंगा जब तक मेरा हिसाब चुकता नहीं हो जाता। चल जा वहां जाके काम कर। चल बराबर काम करना। सुन, बाजू में वो बिल्डिंग टूटी है ना, वहां से जाके सलिया लेके आ। हाँ ठीक है। चाहिए तो दो चार आदमी और लेके जा। हाँ, लेकिन सब लेके आ। हाँ ठीक है साहब। मेरी माँ ने मेरी परवाह नहीं की और किसी के साथ भाग गई, इसलिए मैंने भी उसका कर्जा नहीं चुकाया और वहां से भाग गया। शाबाश शाबाश बॉलिंग यार। चलो चलो हम लोग ही जीतेंगे। चलो ये पार्थ बॉल पकड़ना। सॉरी यार गलती हो गई। एक और भाग 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 भाग। ये पार्थ बॉल फेंकना। कौन है? मेरी तो कैसी लगी? मेरे से होशियारी। तेरी तो मेरे को मारता है। ये ले, ये देखो, ये मुझे बंदर मार रहे लड़का, ये देखो। रुक जा। अरे कहाँ भाग रहे हो? मार दे इसको। चलो ये ले, मार उसको, मार ये पकड़। ये लो, मुझे मारेगा। ये ले, ये मार मार। ये ले, बड़े पत्थर मारो, बहुत मार रहा ना। ये ले, ये ले, ये ले।
उन बच्चों ने कहा कि वो मर गया, इसलिए मैं वहाँ से डर के भाग गया। ओ, तूने एसपी के बेटे का खून कर दिया। सच कह रहा हूँ, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। ए, बहुत सही किया तूने, अब लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा तू। हाँ एक अच्छा हुआ इसकी वजह से हम लोग को चेन्नई घूमने का मौका मिला। तो है। अरे इससे अच्छा तू मुंबई दिल्ली चला जाता तो और मजा आ जाता। ये सुन, अगली बार तू कांड करेगा ना सीधा मुंबई चला जाना, है ना? मुंबई में जाके क्या देखोगे, देखना है तो दिल्ली जाके। अच्छा चल तू ना दिल्ली भाग जा। एसपी बहुत गुस्से में, तू तो गया कैलाश। अरे जरा इस जहाज को तो देखो, कितना बड़ा जहाज है। देखो अरे देखो यहाँ अपना तिरंगा भी है। यहाँ लोग अच्छे से रहते होंगे, यहाँ खाना भी मिलता होगा। अंदर जाने की टिकट कितने की होगी? अरे 1000 तक की तो होगी। चलो ये बताओ, एक के साथ दो जुड़ा, दो के साथ तीसरा जुड़ा, तो बोलो कितना हुआ? अमिका आप उनसे दोस्ती करेगा क्या? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कसम से मेरे पे भरोसा रख। वाट से बेचारा कैलाश, क्या पता उसके साथ क्या हो रहा होगा, वो हमारे पास फिर से आएगा कि नहीं? वो एक दिन जरूर वापस आएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम लोग खाना खाओगे? नहीं भूख नहीं मुझे है। भी हाँ हाँ बीबी कैसी हो? मैं तो बीच पे हूँ, तुम्हारी हो ना? आओ ना। क्यों आज तुम्हारा पति घर पर है? वो निकम्मा घर पे क्या कर रहा है, उसको बोलो काम पे जा। तुम आओ ना कुछ बहाना मार के मेरे पास, तुम्हारी बहुत याद आ रही है सोनू। मतलब तुम पक्का नहीं आओगी? ठीक है फिर मैं भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, मतलब आज भूखा ही रहना पड़ेगा। चलो एक पप्पी दे, मैं पहले दू, अब तुम दो। अरे ए, पागल, अरे मार क्यों रहे? निकल निकल, नींद खराब कर दिया, चल फट 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 फट, जासूस तो नहीं आना मत यहाँ पे। अबे जा रे पागल, फोन कहाँ है? वो तो मैंने तुम्हें मिलने से पहले ही ऑफ कर दिया। क्यों? फिर किसी का मैसेज आया तो तुम भड़क जाओगी। उस दिन के लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ऑन कर लो, आज अगर ऐसा कोई मैसेज आएगा ना तो हम दोनों साथ में मिलके पढ़ेंगे और फिर हंसेंगे भी। नहीं छोड़ो ना प्लीज। ये कैसी जिद है हाफना सुंदरी? स्वप्ना। हाँ हाँ स्वप्ना स्वप्ना स्वप्ना, बचा लेना। सिंह चाहिए? नहीं चाहिए, दो दिन का राशन साथ में लेकर घूम रहा हूँ। मिस्टर नाथन, आपके लिए मैसेज आया है। कोई बैंक वैंक का मैसेज होगा, बेकार में टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं पढ़ने वाला। पहले पढ़ तो लो, वैसे भी आज मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, एकदम कंट्रोल में हूँ। अरे पर बातें करते हैं ना, ये मैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे मेरी बात तो सुनो, कोई जरूरत नहीं है। प्रॉमिस, तुम भड़कोगी नहीं ना? प्रॉमिस। गुड गर्ल, आज का मैसेज बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ? लड़कियों में 70% ब्यूटी होती है पर तुम में तो 100% है। लड़कियाँ 75% स्वीट होती हैं, तुम 99% हो। लड़कियाँ 85% शरारती होती हैं, लड़कियाँ 90% क्यूट होती हैं, तुम 100% हो। लड़कियाँ 100% लवली होती हैं पर तुम सबसे ज्यादा हो। टोटल हुआ 70+75+85+90+100 is equal to लड़कियाँ, बोलो ना, लड़कियाँ पूरी 420 होती हैं। तुमने प्रॉमिस किया था हंसोगी, हंसो ना। थैंक्स। तुम लड़कों के पास कोई काम नहीं है क्या? जब देखो हमें कोसते रहते हो। अरे हम नहीं होते तो तुम दुनिया में आते ही नहीं, पावली कम। जो बोलना है मुझे बोलो, दुनिया के सारे बेचारे लड़कों को नहीं, उनकी क्या गलती है? वैसे भी सब बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं बेचारे। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल तुम लोग भी कम नहीं पीती हो, जाके वेनेसडे को हर पब में देख लो, हैप्पी आवर में सस्ते में पी के लुड़की रहती हैं। मुंह बंद करो वरना तोड़ दूंगी। ये मैसेज किसने भेजा तुम्हें? मेरे दोस्त मोहन ने। पूछो क्यों भेजा उसने? किसी ने भेजा होगा, उसने बस फॉरवर्ड कर दिया।
तो पता करो ये मैसेज किसने बनाया, उसकी बात ही मुझसे बात करना, तब तक दूरी रहो। अंकल शंख लोगे? अबे ये मुझे पहले से शंख की तरह बजा रही है, तू निकल यहाँ से। ले लो अंकल, जरूरत पड़ेगी। अरे जानो। हाँ जा रहा हूँ ना, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल नहीं देखनी है। अच्छा मोहन एक बात पूछनी थी। हाँ, बोलना क्या हुआ, बोल बोल बोल। 420 जोक वाला मैसेज तुझे किसने फॉरवर्ड किया? क्यों, मेरे दोस्त ने किया। अच्छा ये पता करके बता कि ये मैसेज बनाया किसने। ए, वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ यार। अरे पता लगा ले, मेरा सपना तभी पूरा होगा जब उसका नाम पता चलेगा। अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? किसी महान ने एक बात बोली थी, भूल गया? सुन, बस ट्रेन और लड़की के पीछे कभी मत भागो, एक जाती है दूसरी आती है। बकवास बंद कर। तू क्या सुन रहा है, पैकिंग कर। कापना सुंदरी, स्वप्ना आज भी सपना अधूरा ही रहा। तो बुरा वक्त शुरू होगा, देखो हो गया शुरू, अभी पछताओ पूरी जिंदगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी अभी तुम्हें, जिसको पटाया था अब उसको मनाने में 100 साल लग जाएंगे, फिर भी वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, पूरी जिंदगी अकेले ही बिताओगे तुम। हाँ तैयार हो जाओ। क्या है? मैंने पता कर लिया वो मैसेज किसने भेजा। किसने? एक लड़की ने। क्या? उसने कहा दुनिया जानती है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसे अच्छी तरह समझती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, यूज़लेस। फिर गुस्से में फोन काट दिया, अभी हाथ में खाना होता ना तो भागते हुए मेरे पास आ जाती है। दादा आ गया तू, अब भीख क्यों मांगते हो दादा? पेट की खातिर बेटा। अगर मैं आपका ख्याल रखेगा तो आप भीख मांगना बंद करोगे? आप मेरे दादाजी हो ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप इसे भीख मत मांगो। काश मेरे बेटे में भी इसकी तरह एक नेक दिल होता तो वो मेरा ख्याल रखता और मुझे अपना घर न छोड़ना पड़ता, मैं भी सुख से रहता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पैसा लोगों में दूरियां पैदा कर देता है और गरीबी लोगों में प्यार जगा देती है? मुझे भी ये खुशी तब मिली जब मैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए दादा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता दादा, मुझे किसी की जरूरत नहीं दादा। पैसा दे दिया मुझे, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दिया। भिखारी लगता हूं क्या मैं? मैं भिखारी नहीं हूं। आज थोड़ी काली लग रही हो, पाउडर नहीं लगाया? अरे ये चश्मा पहन कर क्यों डराती हो? सारे मजाक लड़कियों पर क्यों होता है? तुम्हें तमीज ही नहीं लड़कियों से बात करने की? सीरियसली तुम दूर रहो मुझसे। इतनी सी बात पर इतना क्यों बड़ा मजाक उड़ाती हो? रोज तो थोपती हो ना मुंह पे पाउडर। ज्यादा बोला मत करो। शट अप ओके। हां सेम टू यू। मेरी मति मारी गई थी जो तुम्हारे चक्कर में फंस गई, यूज़लेस। जाओ जाओ, भूख लगे तो फोन मत करना। चल मैं तुझे आज एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी दिलचस्प है और सच्ची है, ध्यान से सुनना। एक बार एक जोड़ा बीच पर बैठा था, इसी तरह मैंने उनको भी चाय दी थी जिस तरह तुम्हें दी है, लेकिन उसने 2 चाय का पैसा मुझे सिर्फ 3 रुपया दिया। मैंने उसे कहा तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो तेरा बुरा वक्त शुरू होगा, और वैसा ही हुआ, तुरंत ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। मेरी कही हुई हर बात सच होती है क्योंकि मैं ज्ञानी बाबा का भक्त हूँ, वो भी देवदास बन के घूमता है और अब तुम भी देवदास बन के घूमोगे। पैसा दो। अरे 3 रुपए की है। 5 रख। थैंक यू। ये आदमी को ऐसा सदमा लगा है कि टिप दे रहा है। ऐसे पागलों की तरह अकेले अकेले क्या हंस रहे हो? सारे लोग ब्रेकअप के बाद रोते हैं पर मुझे हंसी आ रही है अपनी फूटी किस्मत। देखो प्यार प्यार। तुझे पता भी है कि प्यार क्या होता है? मैं तुम्हारी तरह रोज बीच पे आके टाइम पास नहीं करता ना। जले पर नमक मत छिड़क, पहले ही टूट चुका हूँ मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज आई नहीं क्या? तू ब्रेकअप का मतलब नहीं समझता क्या? हम लोग अलग हो चुके हैं। हर कुत्ते का दिन आता है। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है, मेरे को मेरे दोस्त से अलग कर दिया, तुमको तुम्हारे प्यार से अलग कर दिया। मेरे साथ भगवान ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है उस लड़की ने किया। ये लाइफ जो है। ए, कहानी सुनने से पहले वादा कर कि तू मेरी पूरी की पूरी कहानी सुनेगा, मैं तेरे सारे चने खरीद लूंगा। कोई मेरे दिल का हाल सुन लेगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। ये लाइफ जो है वो खाने पर चलती है। मैं दौड़ के तुम्हारे लिए वड़ा पाव लेकर आऊं। कभी तो सीरियस रहो प्लीज।
मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जिंदगी में एक साथ चल पाएंगे। मैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हूँ और तुम्हें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी मजाक जैसी लगती है। बहुत बातें सुनाई उसने मुझे, वो मुझे ताने मारते रहे पर मैंने उफ तक नहीं किया। प्यार का दूसरा नाम ही धोखा है, और वैसे भी वो लड़की तेरे से अपना खर्चा पानी निकल रही थी। देख पहले सटकी भी और गुस्सा मत दिला। ए, लोग गम भुलाने के लिए दारू पीते हैं, तू गुस्से में दारू पी लेना, दो पैग मारेगा ना सब ठीक हो जाएगा। अबे देख क्या रहा है, रोज उसके लिए खर्चा करता था ना, आज मेरे लिए खर्चा कर दे। दूसरे दिन उसे फोन भी किया। फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? हेलो, कौन? कौन मतलब नंबर डिलीट किया? मैं नाथन बोल रहा हूँ। मैं किसी नाथन को नहीं जानती। 15 रुपए के वड़ा पाव से लेकर 1000 रुपए के सिजलर तक सब कुछ खिलाया, पर उसने मुझे एक टिश्यू पेपर समझ के मुंह पोंछ कर फेंक दिया, इसलिए मैंने भी सोच लिया बिल तो उस पे फाड़ूंगा। मैं कोर्ट से आया हूँ, स्वप्ना सुंदरी के लिए नोटिस है। तलाक का नोटिस मार दिया उसके मुँह पे। क्या कहा? डाइवोर्स नोटिस। हाँ, डाइवोर्स नोटिस, तलाक। पापा से कुछ मत कहना प्लीज, जब शादी ही नहीं हुई है तो फिर तलाक की नोटिस क्यों भेजी है? चल अब आगे का बता क्या करना है। देखते जा। मैडम कुरियर। मैं कुरियर वाला हूँ, किसने दिया मुझे क्या पता? मम्मी देखो ना मम्मी। अब कौन सी आफत आ गई, क्यों चिल्ला रही है? क्या मम्मी? अब फॉर्मूला नंबर 2। मैडम कुरियर। आवाज आ रही है, क्या चीज है इसमें? हाँ वो तो, एक मिनट। बोलो मम्मी। आज भी तेरा एक कुरियर आया है। क्या है? खुद ही आके देख ले। मम्मी जल्दी बोलो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे उसने तेरे लिए कीले भेजी हैं। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कीले कीले। ए कुरियर वाले, दोबारा मेरे घर में इस तरह का कुरियर लाया ना तो तेरा गला काट दूंगी, बता रही हूँ। ए आंटी, जिसने भेजा है उसको बोलो ना, मेरे को खाली पीली काय बोल रही हो। अब घर बैठ कर भजन करेंगे। ए, आज तू तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ए आंटी, कुरियर वालों को मारोगी ना कोर्ट केस हो जाएगा, हिम्मत है तो उसे मारो जिसने भेजा है। अब ये क्या है? लिखा है कि तू इडियट है। क्या मैं इडियट हूँ मम्मी? नहीं नहीं, तू तो समझदार। आप उसे फोन करके ना एकदम जबरदस्त झाड़ना, फिर लाइन पर आ जाएगा वो। ए कौन है रे तू, क्या मजाक लगा के रखा है? मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ सासू माँ। तू मुझे जानता नहीं है? तो जान पहचान बढ़ाओ। यहाँ का हर एक बच्चा मुझसे डरता है। और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। कितना बदतमीज़ है, फोन ही काट दिया। एक नंबर का कमीना है। फिर उसका फोन आया और मैंने उठाया ही नहीं। इस समंदर के किनारे जैसे लहरें दम तोड़ती हैं, वैसे ही मेरे प्यार ने दम तोड़ दिया। चलो भाई बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे मेरा कोई धंधा नहीं होने वाला है। उसको धंधे की पड़ी। शांक ले लो, शांक, शांक ले लो। सुन छोटू, तुझे तो नहीं खरीदना है ना, फिर क्यों बुला रहा है? और आज तेरी बोनी करने का मन कर रहा है, देना एक बार वो मधुर आवाज सुना। हाँ, रुक ना, अभी करता हूँ। अरे शंख की। अच्छा तो ऐसा बोलना। नाथू नाथू नाथू। ऐसा लग रहा है वही बजा रही है। यही वाला दे, ये ले। मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे पूरा रख ले। तुझे कहा था ना उस दिन, एक दिन तुझे ये शंख बेच कर ही रहूंगा, और आज बेच ही दिया। आज से तू और मैं सेम टू सेम। शंख ले लो, शंख। मैसेज आया है, जरा चेक कर। अब किसका मैसेज आया है? अगर आपको प्यार मिल गया मतलब आपने जिंदगी जीत ली, अगर आपने प्यार खो दिया मतलब चैन की जिंदगी मिल गई। बाबा टुनटुन कुमार, ये पहले नहीं बोल सकते थे? आज कितना कमाया? नमस्ते चाचा। चल आज की कमाई निकाल। धंधा नहीं हुआ बारिश की वजह से। अच्छा धंधा नहीं हुआ ना, चल पैसे निकाल। मेरे पास नहीं है। निकाल निकाल, कहाँ छुपाया? निकाल ये। मत मारो। चोरी करता है, छोड़ दो। उससे छुपाता है, उससे छुपाता है, हाँ? मैंने कुछ चोरी नहीं की। चोरी करेगा? मत मारो। कमाई नहीं, धंधा नहीं हुआ।
पैसा ना देगा, मुझसे छुपाएगा, चोरी करेगा पैसा। क्या हुआ, क्यों पागल की तरह बच्चे को मार रहे हो? अरे इसने मेरे पैसे चुराए। जो भी हो, इतनी बेरहमी से तुम सबके सामने इसे मार रहे हो, कुछ तो सोचो सर। उसने चोरी नहीं की थी, उसने किसी और से उधार लिया था। तुम लोग क्या अभी भी उस दलाल के साथ काम कर रहे हो? उसको छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। एक मस्त रूम लेंगे भाड़े पे, टीवी भी लगाएंगे और खुशी से रहेंगे। हम लोग उनको नहीं छोड़ सकते, है ना? मैंने तो उनसे पैसे भी उधार लिए हैं। हाँ तो दे देंगे ना उसको पैसा, और सब एक साथ मत छोड़ो, एक एक करके छोड़ो। तूने बहुत पत्ते की बात की है। तुम तो बहुत होशियार हो। लेकिन अभी किसी को ये बात बोलना मत, उस दलाल को पता नहीं चलना चाहिए। दादाजी ने एक दिन अखबार में पढ़ लिया कि 1098 पर फोन करने से लावारिस बच्चों का उद्धार हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि इस चक्कर में वो गरीब लोग भी पकड़े गए जो बेघर थे, और इसी मरीना बीच ने उन बेसहारों को सहारा दिया था। कैलाश जब वापस मरीना पहुंचा तो सबसे पहले वो अंबिका के पास पहुंचा, पर वो वहाँ नहीं था। अंबिका और सारे बच्चे कहाँ गए? पुलिस आई थी और सब बच्चों को अपने साथ ले गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या खाया था तूने? ये लीजिए। हेलो पोस्टमैन अंकल, बीच पर पुलिस आई थी और कुछ बच्चों को लेकर गए। अरे लेकिन किसे? अंबिका, गुरेंद्र और राजेश को। अच्छा ठीक है, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कल के राष्ट्रपति, कल के प्रधानमंत्री, कल के गवर्नर, कल के अब्दुल कलाम, कल के सचिन और धोनी मरीना पर चने और चाय बेच रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दुनिया में बच्चों के लिए सिर्फ दो ही जगह पवित्र है, एक तो उनकी मां का आंचल और दूसरा उनका स्कूल। तुम लोग आज उसी पवित्र स्कूल में हो। जानते हो तुम्हारा पहला काम क्या है? पढ़ाई। और दूसरा काम क्या है? पढ़ाई। और तीसरा काम भी पढ़ाई ही है। ये स्कूल सरकार की मदद से मिलकर तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम लोग यहां रह सकते हो, मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, मुफ्त में पढ़ाई, सरकार सब कुछ देगी। सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। हम सब यही रहेंगे यहाँ, मैं तो यही रहूंगा। तुम सब लोग बहुत काबिल हो, जो चाहे बन सकते हो, पर तुम लोग क्या कर रहे हो? बीच पर चने बेच रहे हो, इधर उधर चाय बेचते रहते हो। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, आज की गई पढ़ाई जीवन भर काम आएगी तुम्हारे। कानून कहता है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुमको पढ़ने से रोक नहीं सकते। अम्मिका, तुम्हारा हक है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बताता हूँ, पहले बाहर तो आप हाथ भी नहीं उठा सकते बच्चों पर। पढ़ाई करने का मौका मिला तो आजा। इस स्कूल को तुम लोग अपना घर समझो और इन टीचरों को अपना माँ बाप। यहाँ से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। ए, पोस्टमैन अंकल कहाँ पर हैं सभी? वो बीच तुम लोगों के लिए सही जगह नहीं है, बल्कि ये सही जगह। अंकल अम्बिका को बाहर लेके आओ ना अंकल। जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ न कुछ जरूर बनोगे। भविष्य खराब मत करो, जरा इस बच्चे को देखो, बिल्कुल अब्दुल कलाम साहब की तरह लगता है। अब जरा इसे देखो, एकदम कामराज की तरह लगता है, और ये तो बिल्कुल नेल्सन मंडेला लगता है। तुम सब में महान बनने की शक्ति है, बस खुद को पहचानो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी होगी। तुम सब अपने काम पर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ स्कूल खत्म होने के बाद, और काम खत्म करके फिर स्कूल। तुम सब इस देश का सुनहरा कल हो, जो इस देश और दुनिया में फैलकर सारे जहां में अपनी खुशबू फैला दोगे। मन लगाकर पढ़ो और भविष्य को उज्जवल करो। इनमें से किसी के माँ बाप हैं यहाँ पर? तुम लोग स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हैं सर। तुम्हें ऐसा बोलने के लिए पहले से तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है ना? नहीं। बच्चों की मासूमियत से कमाई करने वाले दलाल, शर्म नहीं आती उन लोगों को? उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं बच्चों का भविष्य बनाकर ही मानूंगा।
इंतजामा, जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ पर आए हैं जरा उनको अंदर भेजिए। मुझे नहीं पढ़ना, मैं वापस जा रहा हूँ। कैलाश कहाँ जा रहे हो? अरे अब आप इन बच्चों के पेपर्स फौरन चेक कीजिए और वार्निंग देकर इन्हें छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दो सर। मुझे भी छोड़ दो सर। ऐसे छोड़ दो? जरा एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप आए हैं यहाँ पर? मेरे माँ बाप नहीं है सर, पर मेरा दोस्त है मेरे साथ, और मैं पढ़ूंगा सर, हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ते हैं। जाने दो मुझे सर। तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर वो पोस्टमैन अंकल। ये पोस्टमैन कौन है? जरा अंदर आइए। आ रहा हूँ सर, मैं हूँ सर। ये बच्चे मेरे इलाके के हैं सर। तुम्हारा क्या रिश्ता है इन बच्चों से? मैं इनका गार्डियन हूँ सर। गार्डियन के साथ मैंने नहीं भेज सकता, माँ बाप के साथ ही भेजूंगा। मैं इनके माँ बाप के जैसा हूँ सर। तो तुम्हारे होते हुए बीच पर चने क्यों बेच रहे हैं? पर ये चाइल्ड लेबर नहीं है सर, चाइल्ड वर्कर है। बात सही है, लेकिन ध्यान रहे तुम सिर्फ एक ही बच्चे को गोद ले सकते हो। कानून के हिसाब से दो बच्चों को गोद लेना गलत है। ठीक है सर, फिर मैं अंबिका को गोद लेना चाहूंगा। इतना आसान नहीं है, तुमको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और इसकी पढ़ाई की पूरी जानकारी भी देनी होगी। मुझे जो भी करना होगा मैं इसके लिए करूंगा सर। अंबिका कौन है यहाँ? आ जाओ। सर मैं हूँ। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? हाँ जाऊंगा सर। मन लगा के पढ़ाई करोगे? मन लगा के पढ़ूंगा। पक्का? पक्का सर। देखिए मैगजीन में मेरी फोटो भी आई है, मैं पढ़ाई के साथ काम भी करता हूँ। तुम भी हो ना? हाँ सर, मैं इसे अच्छी तरह पढ़ाऊंगा सर। तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। बाय गुरी। कल्लू तेरे को लेके जाने के बाद क्या किया उन लोगों ने? सोकेश रिपोर्टिंग सर। कैलाश यही है सर। मेरे बेटे को पत्थर तुमने मारा था ना? साहब मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से उसे पत्थर लग गया। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। रागिनी पार्थ को लेके आओ। यहाँ पार्थ, क्या इसने तुम्हें पत्थर से मारा? हाँ पापा। तो फिर क्या सजा दे? 10 बार टपली मारनी है। कितनी अच्छी सजा है सर। जाओ मारो। अरे बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ दुखने लग जाएंगे। और 5 बार मारूं? हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। 1, 2, 3, 4, 5। इसके चेहरे की खुशी तो देखो। थैंक यू पापा। शुक्र है पार्थ को ज्यादा चोट नहीं आई। तुम दोनों ये सोच रहे हो ना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? जब इसे चोट लगी थी तब ये इस लड़के से बदला लेना चाहता था। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये माना नहीं, बस यही कहता रहा मुझे बदला लेना है, ये मेरी इकलौती औलाद है। मैं और करता भी क्या। हम भी पुलिस वाले हैं, आपकी बात समझ सकते हैं। ये बात आपस में ही रखना। हाँ जरूर सर। ए बेटा इधर आओ। अब आप तो नहीं मारोगे ना? अरे नहीं नहीं, इधर आओ तो, ज्यादा लगे नहीं ना बेटा। मेरी बात सुनो, तुम अपने लिए ये कुछ पैसे रख लो। बच्चे को बस में बैठा दो। बाय छोटे। जी सर चलता हूँ। ओके सर। ओके अब तो खुश हो ना? चलो इसे चैन तो आया। अच्छे लोग थे वो, बच गया तू। लेकिन पैसे तो गए हाथ से। ए, ए, रुकना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तूने हम लोगों को इतना भगाया, हम लोगों का वक्त बर्बाद किया। 18 साल की उम्र में मैंने सोचा कि पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, सेहतमंद खाना खाया, लेकिन उसके बावजूद नौकरी के लिए बड़े बड़े लोगों के पैर पड़ने पड़े मुझे। मैं अपने बच्चे से इसकी वजह से इतने दिन दूर रहा। तेरी तो ए, चल पैसा निकाल, निकाल। चल ना, निकाल ना। निकल अभी, निकालते के दूं तेरे को। चल सोच क्या रहा है? निकल। मैं तो बोलता हूँ ये लड़का जहाँ से भागा था ना, इसको वापस वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। हम लोग बीच पर छोड़ने क्यों जाएं? क्या दिमाग पाया है? चले चल चल। ए उन्होंने मेरा पैसा भी छीन लिया, मुझे उस कबाड़ खाने में छोड़ा। जैसे तैसे मैं वहां से निकला और यहाँ आ गया। अंबिका, अंजलि की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसका बापू उसको अस्पताल लेके गया है। जाए क्या? अपने को हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने देंगे रे। हम लोग हॉस्पिटल गए थे लेकिन तुम लोग नहीं दिखे। वहां क्या हुआ इसको? डॉक्टर ने तो कहा है कि इसे अस्पताल में भर्ती कर दो,
लेकिन मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा पैसे नहीं है तो ले जाओ इसे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। छोटी सी उम्र से ये मुझे कमा कमा के खिला रही है। इसकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि अपना घर ना हो तो कम से कम किराए का घर तो हो। मैं इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे एक ही फिक्र सताई जा रही है कि जैसे जैसे ये और बड़ी होगी तो मैं इसे कहाँ रखूंगा। मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। इससे पहले कि इसे कुछ हो जाए मैं मरना पसंद करूंगा। अंजलि को कुछ नहीं होगा अंकल, हम कुछ ना कुछ करेंगे। देखना वो बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाएगी। दादा अब क्या हुआ? अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मुझे मना करके तुम भीख मांगने लगे? लाओ मैं दूंगा इलाज का पूरा पैसा। ये लो, लो। दादा कितने अच्छे हैं ना, उनका दिल कितना बड़ा है। उन्होंने अपनी पूरी कमाई दे दी। दादा मुझे चॉकलेट चाहिए और आइसक्रीम भी। बाद हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तू भी चलना, हम साथ में पढ़ाई करेंगे और फिर शाम को साथ में चने बेचेंगे। तू पढ़ाई कर अम्बिका, मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं। और हाँ, तुझे शाम को चने बेचने की भी जरूरत नहीं है, तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी इच्छा है कि तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तू अच्छे से पढ़ लेगा तो तू हम सबका भविष्य सुधार देगा। नहीं, मैंने पोस्टमैन अंकल से वादा किया था कि मैं तुम सबको स्कूल लेकर जाऊंगा। उस दिन अगर तूने भी ऑफिसर की बात सुनी होती ना तो तू कभी भी मना नहीं करता आने के लिए। अरे अंबिका चल बता क्या है। पोस्टमैन अंकल। अरे पोस्टमैन अंकल, पोस्टमैन अंकल। अरे पोस्टमैन अंकल। अंकल इसमें क्या है? मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, तुम सबको उसमें आना है, ठीक है? अरे पोस्टमैन अंकल, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी कोई शादी में बुलाएगा। अरे भाई तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुम सबको वहाँ आना है। हाँ आएंगे, आएंगे, हम जरूर आएंगे। अंकल सच में भी आएंगे ना? हम जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, खाएंगे। हाँ हाँ लेंगे ना, लेकिन हम चंदा नहीं मांगेंगे, खुद के पैसे से लेंगे। क्या बोलते हो? हाँ हाँ अंकल। अरे अपन सब जाएंगे शादी में। अपने को शादी में नहीं, शाम को पार्टी में जाने का है। वहाँ पे तो अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा, बहुत मजा आएगा वहाँ पे। दादा इस थैली में क्या है? कप। हम लोगों को देने आए हो क्या? ये इस बार मैं जीतने वाले को दूंगा। तुम लोगों ने आज तक मुझे प्राइज देने का मौका नहीं दिया, क्योंकि तुम लोगों की नजर में मैं आज भी भिखारी हूँ। मेरी क्या औकात के मैं जज बनूं? दादा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा अच्छे कपड़े पहनूं तो शायद तुम अपने लायक समझो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि कोई नहीं मिला तो तुमने विदेशी से प्राइज लिया, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों का ये बर्ताव मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादा बोलने का ढोंग करते हो। मैं कंपटीशन करवाऊंगा, खुद कप दूंगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? क्योंकि मेरे बेटे और बहू ने मेरा अपमान किया था, इसीलिए मैंने घर छोड़ा था। मैं चाहता था जैसे उन्होंने मेरा अपमान किया मैं भी उन्हें शर्मिंदा करूं। इसीलिए मैंने भीड़ वाली जगहों पर भीख मांगना शुरू कर दिया, ताकि कभी कोई मुझे इस हाल में देखे और मेरे बेटे को बताए कि तेरा बाप भीख मांगता है और वो शर्मिंदा हो। इसीलिए मैं यहाँ आया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मर जाऊंगा मैं, लेकिन मरने से पहले बस एक बार अपने पोते पोती को देखना चाहता हूँ। बहुत याद आती है। मत बोलो दादा, हम सब तुम्हारे पोता पोती ही हैं। हाँ दादा आप रोइए मत। हाँ दादा। छोड़िए पुरानी बातें, ये बताइए कौन सी स्पर्धा रखनी है? सुसु का रखे क्या? अरे चुप रहे, कुछ और रखते हैं। चलिए मैं एक सुझाव देता हूँ।
एक ऐसी स्पर्धा रखते हैं जिसपे सबको बहुत मजा आएगा। क्यों ना एक घोड़ों की रेस रखी जाए, क्या कहते हो? ओके। ए, रविवार को रखते हैं। इस बार तो मेरे को जीतना ही है यार, तेरे को तो पता है ना मैं कितने टाइम से जीतना चाहता हूँ। तू ही जीतेगा। पता है चेन्नई में रहते हुए भी मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। सोचा था इतनी खूबसूरत जगह अपने पति के साथ ही आऊंगी। कितनी अच्छी जगह है ना। चेन्नई में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ कभी आ नहीं पाया। अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि तुम्हारे साथ चेन्नई के बीच पे घूम रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, जाकर कहीं खा ले। हाँ क्यों नहीं, चलो। एक्चुअली मैं बीच साइड खाना नहीं खाती, अनहाइजीनिक होता है। हंसा, तुम्हारी खूबसूरती की क्या तारीफ करूं? जो भी लफ्ज दिमाग में आते हैं तुम्हें देखकर शर्मा जाते हैं। थैंक यू। तुम्हारा प्यार तो नसीब हो गया, पर तुम्हारे हाथों का खाना कब नसीब होगा? क्यों ना हम होटल में खाना खाने जाएं? लगता है ये भी टाउन से लेके सबब तक सारे होटल के बिल फाड़ेगी मुझ पे। कंजूस लगता है ये तो। तो हम लोग रोज आया करेंगे बीच पे, है ना? रोज आया। ये और लड़की के साथ? नहीं नहीं, मेरे मन का वहम होगा। और क्या? अरे ये तो कौन है? मेरा दोस्त है। कौन? हेलो मेरे भाई, तू कब से लड़की के चक्कर में पड़ गया? अबे एक ही तो जिंदगी है, तो सोचा बचे हुए दिन तुझ जैसे फकीरचंद दोस्त के साथ बिताने से अच्छा किसी लड़की के साथ बिता दूं। अच्छा, तो कुछ पैसे साइड में रख देना, क्योंकि जब ये तुझे कंगाल करके छोड़ देगी तो तेरे पास कोई नहीं होगा, तब तू मेरे पास आएगा, दोनों मिलकर टल्ली होंगे। बहुत बोलता है। जी, इडियट, दोस्त से ऐसे बात करते हैं? क्यों जानू, तुम सहेली की आरती उतारती हो। मुझे देखा है कभी ऐसे बात करते हुए? अरे जो जैसा दिखता है वो वैसा कभी भी नहीं होता है। मैं गर्लफ्रेंड पीड़ित हूँ। तुम ही हो, तुम बहुत जल्दी मेरा शंख खरीदोगे। नई लड़की, नए कपड़े, नई छतरी, लगे रहो लगे रहो। अरे छोड़ो, झगड़ा करके टाइम वेस्ट क्यों करें, चलो लल्लो पच्चो करते हैं। दफा हो। आपका शुक्रिया। तुझे कुछ नहीं होगा। मरीना पर फिर एक बार सुनहरी सुबह हुई। घड़ी ने फिर से 9 बजाए, पर ये सुबह दूसरी सुबह से अलग थी। मरीना की रेतीली जमीन रेस कोर्स के ट्रैक में बदल चुकी थी। घोड़ों को भी अपनी औकात दिखाने का मौका मिला था। दादाजी को खुशी थी कि उनकी सम्मान पाने वाली दिली तमन्ना आज पूरी होने जा रही थी। दादा, तुमने हिस्सा क्यों नहीं लिया? बच्चों के साथ अपन कॉम्पिटिशन नहीं करते। मरीना के सारे घोड़े दादाजी के खातिर एक लाइन में खड़े थे। घोड़ों पर बच्चे ऐसा शोर मचा रहे थे जैसे वो मुगले आजम वाली लड़ाई लड़ने जा रहे, बस उनके हाथों में तलवार नहीं थी। Yeah! 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 Ye
बच्चों एक फोटो हो जाए सबका। आगे सट्टा। कल तुम्हें इससे भी बड़ी खुशी मिलने वाली है। कौन सी दादा? कल ही बताऊंगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो फिर आप वापस कब आओगे? कभी भी नहीं। हेलो, हाँ कहिए अंकल। क्या सच में? मैं सबको बताता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अंकल का फोन आया था। क्या बोल रहे थे? हम सबका फोटो पेपर में आया है। पेपर में आया? इसमें नहीं है। फ्रंट पेज पर फोटो है, ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे इसमें है। ए, मुझे देख, हीरो लग रहा हूँ ना। दादा को दिखाते, हमारी फोटो पेपर में देख के बहुत खुश होंगे वो। तुम लोग जाके दादा को दिखाओ, मैं दूसरी कॉपी लेके आता हूँ। चल चल जल्दी चल। कहाँ चले गए दादा? चल कहीं और देखते। इतनी भीड़ क्यों है? क्या पता, चल जाके देखते। मैं साइड। अरे ये तो दादा है। इन्हें क्या हो गया? दादा दादा दादा, दादा? उठो ना दादा, दादा क्या हुआ? दादा दादा उठो। आ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ दादा? उठो ना दादा। कैलाश तुझा सबको बुला के ला। चलो बच्चों इधर आओ। सर ये बच्चे उसे जानते थे। कौन था वो? हमारे दादा थे। वो एक मामूली भिखारी था। भिखारी बनते थे, वो बांसुरी बेचते थे। आपको कुछ मालूम नहीं है तो बोलो मत। ए ज्यादा बकवास मत कर, पूछताछ करना हमारा काम है। और बॉडी तुम्हें नहीं मिलेगी, उसके घर वालों को मिलेगी। कांस्टेबल पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमैन अंकल। बोलो बेटा क्या हुआ? अंबिका बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बोलो ना। दादा मर गए। पर कब? आज सुबह। कहाँ पर? बीच पर, पुलिस उनको लेके जा रही है। रो नहीं बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, इसी वक्त आ रहा हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? दादा मर गए। थोड़ा और ले। नहीं नहीं अंकल। अच्छा ठीक। अंकल दादाजी मर गए। अंकल आ गए। अंकल क्या हो गया उनको? कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं उनसे बात करता हूँ। चलो देखते हैं, आ जाओ आ जाओ मेरे साथ। ये उनके रिश्तेदार नहीं है, हम बच्चों को बॉडी नहीं दे सकते। लेकिन सर ये दादाजी इन बच्चों के साथ ही रहते थे, मैंने कई बार देखा है सर। लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम करना भी जरूरी है। पर सर अगर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तो फिर इन्हें नहीं मिलेगी सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। वो रिश्तेदार जिन्होंने इन्हें निकाल दिया उनकी लाश ये क्यों लेंगे सर? जो भी हो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कानून जानते हैं, आप ही रास्ता निकालिए ना। इनकी दुख पर कुछ तो रहना चाहिए सर। उठो 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 चलो चलो कहीं मत लेकर हमारे दादाजी को मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, इन्हें हमारे पास से छोड़ दो। सिर पे डालो बेटा, संभाल के सिर पे। हाँ अभी माला फूल पहना दो। अब चंदन दादा को उनकी टोपी चश्मा और चप्पल भी पहना दो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कल तुम्हें इससे भी बड़ी खुशी मिलने वाली है। कल ही बताऊंगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो फिर आप वापस कब आओगे? कभी भी नहीं। दादा ने हम सब बच्चों का एडमिशन करवा दी।
मुझे भी इस घोड़े पर बैठना है। क्यों नहीं, बैठ जाइए। दादा को घोड़े पे बैठना अच्छा लगता था, इस पर इन्हें बिठाकर विदा करते हैं। दादा की इच्छा थी कि हम सब अच्छे से पढ़ें। हम खूब पढ़ाई करेंगे, उसमें अंकल हम सबका एडमिशन करवा देंगे स्कूल में। तुम लोगों में से जो भी पढ़ना चाहता है कागज पर मुझे अपना नाम लिखकर दे दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं भी पढ़ूंगा अंबिका। मुझे भी पढ़ना अंबिका। मैं भी पढ़ूंगा अंबिका। तुम भी हमारे साथ पढ़ोगे ना? अगर टीचर नहीं मारेगी तो मैं भी पढ़ूंगा। पोस्टमैन अंकल, मेरे पिताजी को कहिए ना, मुझे भी स्कूल जाना है। अरे भाई, गाय किसे भी भेज दो पढ़ने के लिए, तुम बस इसका नाम लिखा दो स्कूल में, बाकी सब हो जाएगा। नहीं, फिर पैसे कौन कमाएगा? अरे गायक, तुम तो चने बेच कर भी अपना पेट पाल सकते हो, बिटिया को पढ़ने से मत रोको। ठीक है, अब अंजलि भी स्कूल जाएगी। पैंट शर्ट पहनकर एकदम ऑफिस जैसा लग रहा है ना? हाँ यार। हाँ। यार क्या है ये, सोनू और मकुली को छोड़कर बाकी सब आ गए। हाँ, क्या पता वो लोग आएंगे भी या नहीं। वो लोग जरूर आएंगे। चल अंजलि, शाम को मिलते हैं। हमें अपने जैसे और बच्चों को स्कूल में लाना चाहिए, क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ, पढ़ाई करना सबके लिए बहुत जरूरी है।